अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करने जा रहे हैं पीआईक्यू फॉर्म की। क्या पीआईक्यू फॉर्म हमारी कुंडली होता है एसएसबी के अंदर? हाँ, वो हमारी कुंडली होता है। वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रखता है फ्रॉम आर टाइम ऑफ बर्थ टू आर लिविंग कंडीशन, कि हम अभी आज की तारीख में क्या कर रहे हैं, तब तक सारी की सारी जानकारी रखता है। और इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में इनके द्वारा, ये कौन है क्या है, हम इसमें थोड़ी देर बाद आएंगे। पर हम पीआईक्यू फॉर्म के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, हम मैं पहले उस बारे में बता देता हूँ। पहले हम डिस्कस करेंगे एसएसबी मिथ्स, क्या मिथ्स हैं एसएसबी की, क्योंकि कई मिथ्स ऐसी होती हैं जो हम डिफेंस एक्सपर्ट मान के चलते हैं पर वो सच नहीं होती हैं, तो उन्हें क्लियर करने का काम सिर्फ एक्सपर्ट ही कर सकता है जो एसएसबी में रहा हो। दूसरी बात, हम बात करेंगे प्रोसीजर और प्रेजेंटेशन की, पीआईक्यू फॉर्म को लिखना कैसे, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, इस बारे में जानेंगे। क्योंकि पीआईक्यू फॉर्म हमें पहले ही पता होता है कि वो मिलेगा कैसे हमें, तो हम घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड तीसरी बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट, पर्सनैलिटी। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया कि पीआईक्यू फॉर्म के अंदर आपकी जन्म से लेके, मतलब जब आप बर्थ हुए हैं तब से लेके अब तक, जब आपकी लिविंग कंडीशन है, जो भी आप जॉब कर रहे हैं या किसी पढ़ाई में हैं, वहां तक की पूरी कंडीशन जन जाती है, तो वो एक पूरी पर्सनैलिटी को निचोड़ लेता है। तो हम जानेंगे कैसे एक पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाए उस अकॉर्डिंग, कि पीआईक्यू फॉर्म में जब वो प्रेजेंट की जाए तो वो दिखने में अच्छी लगे और आप कॉन्फिडेंसली इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने पेश भी हो सके। अभी जो मैं पीआईक्यू फॉर्म डिस्कस करने वाला हूँ, वो पीआईक्यू फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये है पीआईक्यू फॉर्म मेरा, और ये 2 पेज में होता है और दोनों पेज मैंने फिल कर रखे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली लिखा है जैसे एक रियलिटी मेरा पीआईक्यू फॉर्म होगा। अब जरा मैं आपको कंफर्मेशन के लिए दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरा नाम भी लिखा है और यहाँ पर मेरे फादर का नाम, और इसके बाद सारी डिटेल ऐसी लिखी है जो मेरी रिगार्डिंग है। जैसे मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, पुणे में आजकल रह रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मेरे नेटिव सिटी, मेरा रिलीजन, मेरी नेटिव लैंग्वेज, मेरी डेट ऑफ बर्थ और मेरा मैरिटल स्टेटस भी लिखा है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पेरेंट्स की इनकम, उनका ऑक्यूपेशन भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नीचे आओगे तो मेरे मार्क्स दिख रहे हैं। मार्क्स में आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो मार्क्स लिख रहे हैं उसमें लिखा है 87, 60%, 62%। जरा यहाँ पर मार्क्स में ना कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, और ऊपर से जो शुभम वाशने पढ़ाई भी प्राइवेट सेक्टर से ही कर रहे हैं, इनफैक्ट उन्होंने जो इंजीनियरिंग करी है वो भी प्राइवेट कॉलेज से ही की है। अब यहाँ पर ऐसी इमेज बन रही है शुभम वाशने की फर्स्ट पेज से ही, कि शुभम वाशने एक नहायत ही कामचोर किस्म के लड़के हैं। जब उनको पता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो मेहनत करें और एक बेटर लाइफ दें अपनी फैमिली को और खुद भी जिए? पर यहाँ पर उन्हें ऐसा कुछ नहीं कह रहा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। चलो ठीक है, अब आते हैं यहाँ से सेकंड पेज पे। सेकंड पेज में शुभम वाशने की उम्र बताई जा रही है, वो उनकी हाइट है, उनका वेट है। अब इस हाइट और वेट को चेक करके, मतलब 5 फुट 10 इंच का जो इंसान है शुभम वाशने, उसकी जो वेट है वो 71 kg, इसका मतलब वो BMI के अंदर है, मतलब वो फिट है, अपनी सेहत का तो यहाँ पर ध्यान रखता है, यहाँ तक ये पता लगा। उसका ऑक्यूपेशन पता लग रहा है मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर, और सैलरी यहाँ पर लिखी है 1,03,000। यहाँ से नीचे आते हुए पता लग रहा है कि शुभम ने स्पोर्ट्स भी खेला है, पर यहाँ पर पता लग रहा है कि जो 2 स्पोर्ट्स है, 400 मीटर खो खो, उसमें कोई अचीवमेंट ही नहीं है, और सडनली जो आर्म रेसलिंग खेली है उसमें अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है, 2 गोल्ड 1 सिल्वर इन स्टेट 1 ब्रॉन्ज इन नेशनल, तो ये बहुत ज़्यादा अचीवमेंट पड़ रहा है। इसके बाद उसकी हॉबीज भी उसने लिखी है, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग न्यूज डिबेट, मेकिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब लिखा है उसने। और यहाँ पर उसने लिखा है अपनी एक्टिविटीज में एंकरिंग स्कूल में और कॉलेज में, सब सुनने में अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर पोस्ट भी लिखी है, क्लास मॉनिटर रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ पुणे आर्म रेसिंग क्लब रहा हूँ, हेड ऑफ द स्पोर्ट्स रहा हूँ, ये सब इसने लिखा है। अब यहाँ पर एक बात दिखाई दे रही है कि यहाँ पर इसने जो एंट्रीज दी हैं वो दी हैं सब डायरेक्ट, CDS या AFCAT या NDA नहीं दिए, ऐसा क्यों? अब यहाँ पर शुभम वासिंग की पर्सनैलिटी ना कंफ्यूजिंग दिखाई दे रही है। ऊपर दिख रहा है यहाँ पर 1 लाख की सैलरी कमा रहा है, और यहाँ पर अगर शुभम वाश ने 1 लाख की सैलरी कमा रहा है तो उसको पता तो होगा कि लेफ्ट हैंड की सैलरी 1 लाख की नहीं होती है, वो जब कमीशन होगा तो वो बहुत ही कम सैलरी पाएगा, इनफैक्ट नियरली इसकी हाफ ऑफ द सैलरी पाएगा। और उसके बाद शुभम ना मन मौज ही लग रहा है कि यहाँ पर तो देखो मेहनत की नहीं, 400 मीटर खेला, खो खो खेला, उसमें मेहनत की नहीं, सीधे आर्म रेसलिंग में मेहनत करी। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आते आते दिख रहा है कि शुभम में ना केयरलेसनेस बहुत है, उसको क्लियरिटी नहीं आ रही है उसको जिंदगी में करना क्या है, वो बस लगा हुआ है, जो मिल गया हाथ में कर लिया, नहीं है नहीं किया। इनफैक्ट यहाँ पर उसका देखो तो सिर्फ 1 कॉन्फ्रेंस आउट है, बाकी सब स्क्रीन आउट है, मतलब पहली बार जो स्क्रीन हो गया वो भी तुक्के में हो गया। तो ये तो सब गोलमाल चल रहा है।
अगर शुभम वाशनी की पर्सनैलिटी से अगर मैं ये भी हटा दूँ 400 मीटर आर्म रेसलिंग और ये एंकरिंग डिबेट और यहाँ पर भी सब खत्म कर दूं, उसकी जो हेड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो शुभम वाशने का पूरा पीआईक्यू फॉर्म बोगस हो गया। उसमें कुछ है ही नहीं, केयरलेसनेस नेचर है उसमें। ये नहीं है कि कहीं जिम्मेदारी ले ले, ये भी नहीं है कि अपने आप को बाकी चीजों में डेवलप कर ले। तो अभी इस पीआईक्यू फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे कमांडर चक्रपाणि सर के साथ, जो कि नेवल सिलेक्शन बोर्ड में उन्होंने सर्व किया है और वो पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर रह चुके हैं और राइट नाउ वो आर्म फोर्स प्रिपरेटरी अकेडमी में सर्व कर रहे हैं। इसके साथ राइट नाउ वो sitesmastery.com में अशोक सर और कमांडर के आर प्रसाद सर के साथ काम कर रहे हैं, जहां पर वो स्काइप पर इंटरव्यू लेते हैं स्टूडेंट्स का। तो अगर आप साइक टेस्ट मास्टरी में एनरोल होंगे तो आपको कमांडर चकमाई सर से भी मिलने का मौका मिलेगा। जैन सर, जैन शुभम, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। अभी आपके फ्रैक्चर लगा हुआ पैर में, फिर भी आपने इतना कराया, थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। सर यहाँ पर मेरे साथ अभी मौका फिर हो गया कि टेबल टर्न हो गई है एंड मैं आपसे सवाल पूछूंगा आज, और आज सारे सवाल होंगे पीआईक्यू फॉर्म का। एंड पीआईक्यू क्यों मुझे फॉर्म में बार बार तीन डरा रहे हो? सर डराना थोड़ा पड़ेगा, बट आप जब डरते हैं ना तो आप ऐसे जवाब दे देते हैं कि हम लोग ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हमने लास्ट इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया था उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, तो मैं वापस आता और हूँ अपने पीछे पहले वाले पे, वो है पीआईक्यू फॉर्म। तो पीआईक्यू फॉर्म पे अगर हम बात करें तो तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, पहली एसएसबी में, दूसरी प्रेजेंटेशन एंड थर्ड इज पर्सनैलिटी, बिकॉज आपका पीआईक्यू फॉर्म सब कुछ कवर करता है। अभी हमारे व्यूअर्स ने पीआईक्यू फॉर्म मेरा देखा है और आप भी देख चुके हैं सर, तो मैं जानना चाहूंगा कि पीआईक्यू फॉर्म देख के आपके दिमाग में पर्सपेक्टिव बनता क्या है। पीएक्यू फॉर्म एक तरह से आपका विजिटिंग कार्ड है। मुझे रफली मालूम पड़ता है कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं, जहां तक शुभम का सवाल है, राइट? मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि शुभम कितने साल बड़ा है, क्या उम्र है उसकी, उसके माँ बाप कौन हैं, क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं, कितना पढ़ा लिखा है, कैसे मार्क्स आए हैं, कहाँ पढ़ा है, कहाँ बड़ा हुआ, और उसके क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, कोई गेम्स में उसने टेक पार्ट किया है, कोई अचीवमेंट्स हैं, राइट? अगर उसको अगर वो कहीं पे काम कर रहा है तो रफली तनख्वाह कितनी है, राइट? और क्या वो पहली बार एसएसबी में आ रहा है या ही इज अ रिपीटर? ये सारी चीजें एक क्विक ग्लैंस ऑफ द एसपीआईक्यू में मिल जाती हैं। तो एक तरह से आप अपनी एक एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो, जहां तक इंटरव्यूइंग ऑफिसर का सवाल है कि वो ये जान सकता है कि ओके, अभी शुभम साहब आने वाले हैं, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट शुभम टू बी? ओके, तो सर अभी आपके सामने जब शुभम वाचने का पीआईक्यू फॉर्म आया तो आपके सामने उसकी हैंडराइटिंग भी सामने आई है, उसके लिखने का तरीका भी करेक्ट सामने आया है, तो आपके दिमाग में करेक्ट कोई परसेप्शन नहीं बना कि या शुभम ऐसा है या उसकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल कैसी है? देखिए, कुछ आइडिया तो जरूर मिल जाता है। जैसे शुभम का ही पीआईक्यू आप देखिए, कहीं पे उसने बहुत सारी चीजें एक छोटी सी जगह में फिट करने की कोशिश की है, कहीं बहुत सारी जगह जगह खाली छोड़ दिए, एक बहुत छोटा सा लिख दिया है, ठीक है। कहीं पे खास करके फिर देखिए पेज नंबर 2 में उसने अपनी तनख्वाह लिखी है, आई एम नॉट श्योर उसने लिखा क्या है, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक सवाल है कि मैं जब शुभम सामने आएगा तो उससे मैं पूछूंगा, ओके राइट। एक आध जगह पेज 1 में देखिए आप, उसमें स्क्रैचेस हैं। मेरा मशवरा ये होगा शुभम को कि अगर आपने काटना है तो प्लीज एक छोटी सी लाइन से वही चीज काटिए जो आपने काटना है, और उसके बगल में नीटली जो भी आपने नया लिखना है वो लिखिए। उसको घिच 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 करके काटेंगे तो अनटाइडीनेस दिखाई देती है, अनटाइडीनेस से लगता नहीं कि इसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा होगा, ओके राइट। लेकिन ये सिर्फ सवाल है, अभी तक कोई इंप्रेशन नहीं बना है, इट इज जस्ट अ रफ मेंटल पिक्चर। ओके, इट्स अ रफ मेंटल पिक्चर। तो मैं इस पीआईक्यू फॉर्म को ही आगे बढ़ाता हूँ। पीआईक्यू फॉर्म के टॉप राइट कॉर्नर में लिखा होता है ओ आया, जो कि फर्स्ट डे में चेक किया होता है स्टेज 1 के टाइम। मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि मान लीजिए किसी का OIR 5 हो, इज इट पॉसिबल कि वो स्क्रीनिंग भी हो सके? वेल पॉसिबल तो डेफिनेटली है, लेकिन रिलेटिवली रेयरर है। ओके, तो
तो सर मेरा अगला सवाल यहाँ से बनता है कि मान लीजिए कोई इंसान OR4 या OR5 के साथ आपके सामने आ जाए, तो आपके दिमाग में पर्सपेक्टिव क्या बना? एट द मोमेंट कुछ नहीं, आपने सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन सेट की है, वो एक्सपेक्टेशन सेटिंग में इट इज जो भी होता है इट इज नॉट टेकन वेरी ग्रेट कॉग्निशंस ऑफ, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आगे इंटरव्यू में अपने आप को पेश करते हैं। ओके, बट सर OR5 और OR4 और OR5 दोनों ऐसे नंबर हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि यार बंदे में इतना सेंस नहीं है कि इतना सिंपल सी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, और बंदा स्टेज वन क्लियर कर गया। देखिए सिर्फ एक चीज तो होती नहीं है SSB में जी, वी आर नॉट लुकिंग एट जस्ट वन सिंगल कैरेक्टरिस्टिक और वन सिंगल फैक्टर जी, एंड SSB लुक्स एट डिफरेंट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इन द राइट मेजर, राइट? So it is quite possible somebody has better somewhere else and not so good in some other place, which is fine. It is the interviewing officer's per job to determine is the amount of intelligence required adequate or not adequate. Okay. यहाँ से सर दूसरा सवाल आता है कि जैसे OIR आपका कम है या OIR आपका ज्यादा है, तो आपकी RA और EA दोनों दिखती हैं, rationality and effective intelligence. तो क्या आप उसको यहां पर क्रॉस चेक करना चाहेंगे? वो तो अपने आप दर्शा देगा कि आप किस तरह से जवाब आप देंगे टू वेदर इट इज अ रैपिड फायर क्वेश्चन और द सिचुएशन, ठीक है? आपके जवाब इन वेरियस अदर क्वेश्चंस दैट आर देयर विल इंडिकेट टू मी व्हाट इज योर लेवल। सो OIR की इंपॉर्टेंस इज ओनली अ लिमिटेड वन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन सेटिंग, नथिंग मोर देन दैट। ओके, चलिए यहाँ तक की बात मैं आपकी समझ गया, बट यहाँ से मैं घुमाकर वापस लेकर आना चाहूंगा बात प्रेजेंटेशन पे। तो अगर शुभम वाष्णेय की बात प्रेजेंटेशन में करें तो आपने कहा था उसमें कटिंग भी है, कई जगह आप बड़ी चीजों को फिट करने की कोशिश भी की है, तो फर्स्ट थिंग आप ये कहना चाह रहे हैं कि यू वॉन्ट थिंग्स टू बी प्रेजेंटेबल एंड ऑर्गेनाइज, एम आई राइट? करेक्ट। एंड सेकेंड थिंग, अगर सामने वाला लिख रहा है या तो पूरा सेंटर में लिखे या एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखे, एम आई राइट? करेक्ट, प्रेफरेबली लेफ्ट से स्टार्ट करें, प्रेफरेबली लेफ्ट से स्टार्ट करें। चलिए यहाँ तक मैं बात समझ रहा हूँ, पर यहाँ से फिर दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है मेरे सामने कि ये जो PIQ फॉर्म है ये बड़ा अलग है सर। हर कंपनी का अगर रिज्यूमे देखें सर, तो आपने मार्केटिंग में काम भी किया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो वहां पर आपने देखा होगा आप अपने रिज्यूमे कंपनियों के बारे में ज्यादा लिखते हैं, आपके एक्सपीरियंस क्या है, आपके स्किल सेट क्या है, कितना काम क्या है, कितना अचीवमेंट क्या है, बट यहाँ पर ये चीज है अचीवमेंट क्या है, बट ज्यादा फोकस है आपने आप कहाँ रह रहे थे, आपकी पॉपुलेशन क्या थी, आपका रिलीजन क्या है, आप कितना कमा रहे हैं, पेरेंट्स कितना कमा रहे हैं, आपका भाई कितना कमा रहा है, कोई सिबलिंग है कि नहीं, स्पोर्ट्स या कुछ ऐसा पसंद है कि नहीं, और इनफैक्ट ये तक जानना चाहा है कि पहली कितनी बार आपने SSB दिया है, जबकि कोई कंपनी इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होती भाई तू हमारे यहाँ कितनी बार इंटरव्यू देने आया है। That was strange, but ये कोई खास रीजन है सर, क्योंकि ऐसा लग रहा है पूरी जिंदगी आपने दो पन्नों में कवर कर ली है इंसान की। देखिए इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास 45 मिनट होते हैं जी, राइट? अब 45 मिनट में मैंने अगर आपकी पूरी जिंदगी कवर करनी है तो मुझे थोड़े बहुत एड्स की जरूरत पड़ती है, ओके, थोड़ी मदद की जरूरत पड़ती है, PIQ इज वन ऑफ देम। ओके, चलिए मैं आपकी बात यहाँ तक समझ रहा हूँ सर, बट यहाँ पर एक आ जाती है कि सर एक रियलिटी का लिमिटेशन तो यहाँ पर बनता है ना PIQ में। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर शुभम वाष्णेय का PIQ फॉर्म देखें आप, तो पहले वो 18 साल तक वो वहाँ घर पे रहा है अपने मेरठ UP, और उसके बाद BTech के लिए सीधे वो पुणे आ जाता है 6 साल, और उसके बाद वापस नहीं गया। तो आपके दिमाग में एक आता नहीं है कि यार एकदम से इंसान सोशली अडेप्टेबल कैसे हो गया, जो इंसान मेरठ जैसे छोटे शहर, इतना छोटा कि पुणे का 1/4 होगा, 6-7 इंडिया मिला दो एक साथ तो एक पुणे बन जाएगा, एक मेरठ बन जाएगा। तो आपके दिमाग में नहीं आया एक छोटे शहर का लड़का एकदम से कैसे सोशली अडेप्टेबल हो गया, कोई झूठ बूट तो नहीं बोल रहा? देखिए एकदम से तो नहीं हुआ होगा, ओके, बाय नेचर सोशली अडेप्टेबल होगा चाहे वो भले ही मेरठ में रहा हो। अच्छा, राइट। अब पर्सनैलिटी जो है इट इज समथिंग विच इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस
एंड योर इंट्रेंसिक क्वालिटीज, राइट, इन दोनों का मिश्रण जो है वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करता है या डिटरमिन करता है, राइट. अब शुभम जब मेरठ से पुणे आया जी, पुणे में पहले दिन ही तो नहीं हुआ होगा एडेप्टेड इनटू पुणे, मराठी सीख ली उसने पहले दिन जी, उसको समय लगा जी, राइट. उस समय में उसके एक्सपीरियंसेस थे जी, उस एक्सपीरियंसेस से उसने कुछ सीखा है, अपने आप को ढाला है जी, राइट. सो इट इज ओनली, वो दर्शाता है कि शुभम ठीक ठाक है, ही इज मूव फ्रॉम वन स्मॉल टाउन टू अ लार्जर टाउन, ही इज मैनेज टू फाइंड हिज फीट देयर, वहां पे रह लिया उसने, तो मतलब ये है कि अच्छे से सेटल भी हो गया पुणे में जी. ठीक है, सो इट इज इन अ वे शोइंग शुभम इन अ गुड लाइट. ओके, बट सर यहाँ पर एक स्ट्रेंज चीज बहुत है जो कि किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिखती, वो है आपने जानना चाहा कि भाई आपके शहर की पॉपुलेशन कितनी है, क्यों आप क्यों जानना चाह रहे हैं, मतलब मुझे तो लॉजिक ही नहीं समझ में आया. देखिए शुभम, ऐसा है फौज में जब भी आपके पास कोई भी सिचुएशन होती है तो एक सिचुएशन एक टाइम पे तो नहीं होती जी, आपने मल्टीपल चीजें हैंडल करनी है जी. अब आप ये कह सकते हैं कि सिविल में भी अगर आप एक आईटी कंपनी में है वहां भी मल्टीपल चीजें होती हैं, यस मल्टीपल चीजें होती हैं वहां भी, लेकिन लाइफ एंड डेथ की तो चीजें नहीं होती है. करेक्ट सर, ठीक है. अब फौज में जब आपने होना है और आप ऑफिसर होना, आप ऑफिसर हैं, आपको एट वन टाइम बहुत से इनपुट्स मिलेंगे, आपने उसमें देखना है कि आप क्या कर सकते हैं. काफी चीजें ऐसी हैं जो आप पहले से आपको मालूम हो सकती थी इफ यू हैड सफिशिएंट इंक्विजिटिवनेस. फॉर एग्जांपल, अब आप पुणे में रहे हैं, शुभम से अगर मैं पूछता हूं कि यार शुभम आपको, आपने पीआईक्यू फॉर्म अपना भरा है और शुभम ने पीआईक्यू फॉर्म में लिखा है पुणे की पॉपुलेशन, फर्ज करिए लिखा है 25 लाख है जी, ठीक है. एनी कोई भी आदमी, एनी वन लाइक मी वुड हैव सेड 25 लाख तो नहीं है बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन जी, राइट. सो इट मींस शुभम महाराज जो है ही इज ट्राइंग टू टेल समथिंग व्हिच इज नॉट करेक्ट, और ही डजंट नो द राइट आंसर बट डजंट वांट टू शो ही नो, ही डजंट नो द राइट आंसर. ओके, राइट. इट ऑल्सो शोज अ लैक ऑफ इंक्विजिटिवनेस इन सम फॉर्म. ओके, राइट. दैट इज वेयर द इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ओवर द क्वेश्चंस विल चेक इज शुभम really not inquisitive or it is just a one-off thing to ho jati rehti hai. Aapko suddenly maine koi ek sawal pucha, chahe bhale simplest of all questions hoga, you may not have the right answer immediately. Ji bilkul, theek hai. So one off is perfectly fine ji, one off mistake is fine, but when that mistakes start becoming a habit or becoming recurring all over again and again and again, then Shubham is not doing himself a justice. ओके, ठीक है, मैं आपकी बात यहाँ पर समझ रहा हूँ. बट यहाँ से थोड़ा और आते हैं तो अगर शुभम वाशने का पूरा पीआईक्यू फॉर्म देखें तो इस लड़के के बारे में बात पता लग रही है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में है जिसके दोनों पेरेंट्स ठीक ठाक कमा रहे हैं 70,000-70,000, तो घर में 1,40,000 सैलरी आ रही है. इन जनाब के पीआईक्यू फॉर्म को देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है. 10th में 87.4, बीटेक में सॉरी 12th में 60%, जो कि बहुत डाउन हो गया, जिसकी वजह से कॉलेज लेने में फॉर श्योर दिक्कत भी आई होगी. उसके बाद बीटेक में भी सिर्फ 60% के आसपास, कोई ग्रोथ रेट नहीं है, कुछ नहीं है. अगर सेकंड पेज देखें जो हमारे व्यूअर्स अभी देख पा रहे हैं, तो वहां पर लिखा है कि इसी पीरियड में आर्म रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है और एक नेशनल मेडल भी जीता है. ये बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि शायद यहाँ पर कुछ करा होगा, बट इतनी तो समझ होगी कि यार नंबर चाहिए होते हैं 12th में, ऐसा क्या कारण हो गया कि नंबर को एकदम ही छोड़ दिया. और फिर एकदम से देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो स्पोर्ट्स है आर्म रेसलिंग अब कंटिन्यू नहीं है, अब जनाब मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियरिंग कर रहे हैं और जहां पर इनकी सैलरी 1 लाख है, एकदम से जंप कैसे? प्राइवेट कॉलेज से निकला हुआ बच्चा अब सीधे 1 लाख रुपए कमा रहा है. देखिए ये सारी चीजें जो आप पूछ रहे हैं बिल्कुल सही है, ये दिमाग में हमारे भी आएगा जी, बट देन दोज आर द क्वेश्चंस आई विल आस्क ड्यूरिंग द इंटरव्यू. ओके, so it gives me an idea what should I be looking to probe further or probe deeper. Ji. Okay. Surely, agar Shubham ko 10th mein 85% marks aaye,
दैट इज द फर्स्ट स्टेप. एट द लास्ट स्टेप शुभम को मिल गए 1 लाख की सैलरी के की नौकरी जी, विच मीन्स दैट कॉर्पोरेट थॉट ही डिजर्व दैट 1 लाख सैलरी जी, राइट. वॉट एवर हैज हैपेंड इन बिटवीन, देर कुड बी सम रीजन फॉर वॉट एवर हैज हैपेंड. ओके, वॉट इज दैट रीजन इज समथिंग विच द इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल आस्क, विल प्रोब, विल फाइंड आउट एंड देन ट्राई टू सी ओके आर दीज रीजन वैलिड और नॉट वैलिड. ओके, आर दे बिलीवेबल और नॉट बिलीवेबल. नो, वैलिडिटी ऑफ अ रीजन मे बी डिफरेंट फॉर यू एंड मी, राइट. सो आई एम नॉट गोइंग टू जज वेदर शुभम का रीजन वैलिड है कि नहीं है. दैट इज शुभम्स रीजन विच इज परफेक्टली करेक्ट फॉर हिम, बट इट हैज टू बी अ बिलीवेबल थिंग. आई शुड बी एबल टू हैव फेथ, यस, वॉट एवर शुभम इज टेलिंग फॉर हैविंग लॉस्ट आउट ऑन मार्क्स, इट कुड बी शेयर केयरलेसनेस, परफेक्टली फाइन. देर आर पीपल हु एंड अप बीइंग केयरलेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट कुड बी स्मॉल, इट कुड बी लार्ज, राइट. बट हैव दे लर्न समथिंग आउट ऑफ इट? If they have, very good. No harm done. Because all of us, we all know we make mistakes. Okay. यहाँ तक मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर. बट यहाँ पर भी अगर थोड़ा SPIQ फॉर्म में थोड़ा और डिग इन करें तो ऐसा समझ में आ रहा है शुभम वाशने को देख के कि बंदा ठीक ठाक है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी कर ली, बोलना जान रहा है, सब कर रहा है. बट यहाँ पर जब आप उसका रैपिड फायर ले रहे थे तो आपने दो सवाल डाले जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थे. फर्स्ट आपने वही भाई नंबर जानना चाहा, भाई शुभम तुम्हारे कम क्यों आए? तो उसने बताया कि सर जब मैं 12th में था तो मेरा दिमाग स्पोर्ट्स में तो था ही कि मैं आर्म रेसलिंग खेल रहा था जिसकी वजह से मुझे मेडल मिला, प्लस मेरी माँ का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे 2-3 चीजें मैनेज करनी थी जिसमें से मैं एक चीज मैनेज करने में फेल रहा, वो थी मेरी एकेडमिक्स. बट क्या सर ये एक्सक्यूज नहीं लग रहा? इंसान सिचुएशन को ब्लेम कर रहा है. देखिए, एक तरह से एक्सक्यूज है, एक तरह से रीजनेबली वैलिड रीजन है और बिलीवेबल रीजन है, बशर्त यह कि उसकी माँ को एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ था. अगर शुभम का बोलने का तरीका, अपने आप को एक्सप्लेन करने का तरीका, डोंट फॉरगेट व्हेन शुभम इज टेलिंग मी ऑल दिस आई कैन सी शुभम. ओके, आई कैन, आई एम नाउ सीइंग शुभम, आई एम हियरिंग हिम, आई एम सीइंग हिज बॉडी लैंग्वेज, आई एम ऑल्सो हियरिंग what his body language is telling me. Okay. In addition to what his voice is telling me. Sir, अभी आपने body language के बारे में बात की तो उससे मुझे एक बात याद आई कि psychtestmastery.com पे जहाँ पर आप online Skype interview लेते हैं तो वहाँ पर भी आप body language ऐसे ही notice कर पाते हैं? Absolutely. psychtestmastery.com में जब हम Skype पे interview लेते हैं, don't forget, candidate मेरे सामने बैठा है. We are using technology to be able to bridge the gap of the distance. Minor issue hai in terms of puri body nahi dikhti, but ye na bhule, your eyes are the window to your soul. Okay. I can see your eyes, I can see your face, I can see your twitch of the lips movement. Achha. Theek hai. Wo sari cheezen dikhai de rahi hai mujhe. Ab kyunki aap jab baithe hai Skype ke samne, then I can see your face probably even bigger than what your actual face is. Okay. अच्छा सर, जैसे आप पर्सनल इंटरव्यू जब ले रहे हैं स्काइप पर तो आप एक्सपेक्ट ऐसे ही करते हैं कि सामने वाला भी टाई और शर्ट प्रॉपर वे में आएगा कि आप कैसी फॉर्मेट में ले लेते हो? देखिए, वो किसका फॉर्मेट में आता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं. ओके, लेकिन उसकी सीरियसनेस मुझे बताएगी कि वो किन कपड़ों में आता है. अच्छा, वो एक इंटरव्यू दे रहा है जिसके लिए ही हैज कम प्रिपेयर्ड. दिस इज एन इंटरव्यू विच कैन चेंज हिज लाइफ. अब आप डिसाइड करिए आपको कितना इंटरेस्ट है आपके लाइफ में. ओके, अगर थोड़ा SPIQ फॉर्म में थोड़ा और डिग इन करें तो ऐसा समझ में आ रहा है शुभम वाशने को देख के कि बंदा ठीक ठाक है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी कर ली, बोलना जान रहा है, सब कर रहा है. बट यहाँ पर जब आप उसका रैपिड फायर ले रहे थे तो आपने दो सवाल डाले जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थे. फर्स्ट आपने वही भाई नंबर जानना चाहा, भाई शुभम तुम्हारे कम क्यों आए? तो उसने बताया कि सर जब मैं 12th में था तो मेरा दिमाग स्पोर्ट्स में तो था ही कि मैं आर्म रेसलिंग खेल रहा था जिसकी वजह से मुझे मेडल मिला, प्लस मेरी माँ का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे 2-3 चीजें मैनेज करनी थी
जिसमें से मैं एक चीज मैनेज करने में फेल रहा, वो थी मेरी एकेडमिक्स। बट क्या सर ये एक्सक्यूज नहीं लग रहा? इंसान सिचुएशन को ब्लेम कर रहा है। देखिए, एक तरह से एक्सक्यूज है, एक तरह से रीजनेबली वैलिड रीजन है और बिलीवेबल रीजन है, बशर्त यह कि उसकी माँ को एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ था। अगर शुभम का बोलने का तरीका, अपने आप को एक्सप्लेन करने का तरीका, डोंट फॉरगेट व्हेन शुभम इज टेलिंग मी ऑल दिस आई कैन सी शुभम, ओके, आई कैन, आई एम नाउ सीइंग शुभम, आई एम हियरिंग हिम, आई एम सीइंग हिज बॉडी लैंग्वेज, आई एम ऑल्सो हियरिंग वॉट इज बॉडी लैंग्वेज इज टेलिंग मी इन एडिशन टू वॉट इज वॉइस इज टेलिंग मी। Here I will use my judgment to determine whether Shubham is telling the truth or not. Okay. If I have a doubt here, I will probe further. Okay. क्या हुआ था मम्मी को? कैसे हुआ? अच्छा, वो हुआ था, so sad. आप ये बताइए कि जब वो हड्डी वैसे टूटी थी, आपने पता लगाया कि उसके आसपास की हड्डियों को क्या हुआ? अच्छा. ठीक है. डॉक्टर का डायग्नोस क्या था? डॉक्टर ने उसके बाद क्या बोला उनको करने के लिए? भाई शुभम माँ को की देखभाल कर रहा था, राइट, उसकी वजह से उसके मार्क्स कम आए हैं जी, तो डायग्नोसिस मालूम होनी चाहिए जी, कौन सी हड्डी टूटी नाम मालूम होना चाहिए उसका जी, हड्डी टूटने के बाद क्या केयर लेनी होती है माँ की वो मालूम होना चाहिए जी। अगर मैंने सवाल पूछा और सवाल का जवाब शुभम नहीं दे सकता है कन्विंसिंगली एनफ, तो फिर शुभम की माँ के एक्सीडेंट के ऊपर निशान आ जाता है जी। ठीक है, लेकिन अगर शुभम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलता है कि हाँ सर हड्डी टूटी थी, टिबिया में फ्रैक्चर था, और उसके बाद है ना उस एक हड्डी टूटने से उनके बाएं पैर में भी बहुत असर हुआ था और उनको फलानी चीजें हो गई, डॉक्टर के जब घर आए थे तो उन्होंने कहा प्लास्टर के बाद ये एक्स्ट्रा सूप पीजिए, ये करिए वो करिए, एक्स्ट्रा कैल्शियम की डाइट लीजिए, ठीक है, सो शुभम दिखा रहा है कि ही नोज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, राइट। अब चाहे जितना भी शुभम कोशिश कर ले, ये सब चीजें रट्टा मार के आया होगा, जैसे मैं सब है ना, चार पांच छह सवाल होंगे उसके बाद, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और तीन चार सवाल के बाद लगा कि रट्टा मारा होगा, कोई बात नहीं, वो सवाल को छोड़ दिया, किसी और चीज पे चले गए, राइट, और फिर वापस सडनली पूछा यार हड्डी टूटने से उसके बाद क्या होता है, ओके, एट अ टाइम वेयर शुभम डज नॉट एक्सपेक्ट कि हड्डी टूटने के ऊपर सवाल पूछा जाएगा, राइट जी, तो वो तो मालूम पड़ जाता है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कि वो कौन कितने गहरे पानी में है। ओके सर, आपने कितने गहरे पानी में आपने पता कर लिया 12th वाला, बट यहाँ पर शुभम के पास फिर वैलिड रीजन होना चाहिए। अभी शुभम कह रहा था मेरे पास तीन चीजें थी सर, स्पोर्ट्स भी था, माँ की हेल्थ भी थी और अकेडमिक्स भी थी। अब माँ सर्टेन पीरियड तक बीमार रही होंगी ना, कुछ दिक्कतें आई होंगी, तो एक साल दो साल तीन साल मैक्स टू मैक्स। तो यहाँ पर शुभम अब बीटेक से पुणे आ गया, शहर से दूर आ गया, अब तो चाह के भी माँ का ख्याल नहीं रख सकता, मैक्स टू मैक्स फोन पर रख लेगा, तो अब भी आपके दिमाग में इंक्यूजिटिवनेस आएगी। तो अभी वैसे ही आप रैपिड फायर से आपने पता लगाया, अगर मान लीजिए वो झूठ निकला तो अभी आप क्या करेंगे? देखिए, उसने एक जगह झूठ बोला है, अगर एक जगह झूठ बोला है संभवतः कहीं और भी झूठ बोला बोलेगा जी, ठीक है, वो झूठ पकड़ा जाएगा जी, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर प्लीज अंडरस्टैंड ये पहला इंटरव्यू तो नहीं कर रहा है, और बहुत से है ना लोग ऐसे आते हैं जो अपने आप को बहुत बड़े तोप समझते हैं और कहते हैं कि हम तो झूठ बोलने में माहिर हैं जी, ठीक है, उनको भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर पकड़ लेता है जी, ठीक है। और डोंट फॉरगेट, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं यू आर ऑन योर बेस्ट बिहेवियर, ओके, यू आर ट्राइंग टू शो यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, राइट जी, देयरफॉर इट इज इन योर इंटरेस्ट, और आप बहुत इंटरेस्टेडली बहुत एक्साइटेडली अपने सवाल का जवाब दे रहे हैं जी, और आपको जब मैं प्रेशर पे डालता हूँ, जब मैं कहता हूँ तो आई एम टेलिंग एज एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ठीक है, जब एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर शुभम को के ऊपर प्रेशर डालता है सवाल से, रैपिड फायर से, ठीक है, पॉजेस से जी, शुभम जवाब दे रहा है, सडनली वो रुक गया, इंटरव्यू ऑफिसर ने कुछ बोला ही नहीं, ओके, सिर्फ अपने आईब्रो ऊपर की। अब शुभम को लगता है कि मैं कुछ बोलूं, क्या बोलूं जी,
ठीक है, तो पॉज का भी, पॉज भी एक अपने 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 आप में एक बहुत इफेक्टिव टूल है। ठीक है, आपसे पूछ सकता हूं आंखें ऊपर करके, रियली आर यू श्योर? ओके, ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि आप गलत हो जी। ठीक है, अब शुभम के ऊपर तो प्रेशर पड़ता जा रहा है, और सडनली वो एक दूसरा सवाल जिसके ऊपर उसको लग, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को लग रहा था कि इसमें सवाल है जी, क्वेश्चन मार्क है, उसने स्नीक इन कर दिया, और शुभम अपना सही जवाब तो निकाल ही लाएगा, ही कांट हाइड फर्दर। ठीक है, ये बात और अगर शुभम दो तीन झूठ में पकड़ा गया तो रेस्ट एश्योर्ड शुभम इज नॉट गोइंग टू क्लियर। ओके, नॉट जस्ट द इंटरव्यू, ही प्रॉब्ली विल नॉट क्लियर द एसएसबी इटसेल्फ। ओके सर, मैं आपकी यहां तक की बात समझ गया, बट यहां पर एक सवाल और आता है। क्या आ रहा है कि जितने भी मैंने अब तक सवाल पूछे हैं, क्या ये कैंडिडेट के लिए जानने के लिए जरूरी हैं? नहीं। सो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है? नहीं। क्यों? देखिए, आइडियली जो है, एक कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर ट्रूथफुली। ओके, इसीलिए अफवाह में भी हम लोग कहते हैं कि प्लीज बी योरसेल्फ, बी नेचुरल, आप अपने आप में एक हीरा हो। ठीक है, अफवाह में हम सिर्फ एक जौहरी की तरह हीरा को साफ करते हैं। ओके, हीरे को चमकाने का, चमकने का मौका देते हैं। हम हीरा आउट ऑफ द ब्लू तो प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, बट आप हर बच्चे को हीरा कैसे कह सकते हैं? हर बच्चा एक्चुअली हीरा होता है, लेट्स फेस इट, डोंट फॉरगेट। एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हीरा, सबसे बड़ा भारत रत्न अब्दुल कलाम भी थे जी, वो भी एसएसबी में फेल हुए हैं जी। ऑन सिमिलर लाइन्स अमिताभ बच्चन भी थे जी। ठीक है, ये तो आप नहीं कह सकते वो हीरे नहीं थे जी। ठीक है, हर व्यक्ति जो एसएसबी में जाता है, जरूरी नहीं है कि वो हीरा फौज में ही हो, वो हीरा कहीं और भी हो सकता है जी, राइट? तो इसलिए हर आदमी जो है वो हीरा है, हर बच्चा हीरा है। सवाल ये बनता है कि वो हीरा कहाँ कहाँ पे चमक सकता है। और आफपा जैसे इंस्टीट्यूट हैं, और मैं आफपा के बाद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आफपा में हूं जी, राइट? हमारा मकसद ये है कि आपको सही आईना दिखाएं, सही चीजें बताएं, क्योंकि जो आप आफपा में सीखेंगे वो आप एसएसबी में भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये तो है नहीं कि आप सडनली वो सारी चीजें भूल जाएंगे जब आप एक और जॉब इंटरव्यू के सामने बैठे होंगे। नहीं, ये बात आपकी सारी सही है सर, बट आप एक सोच के देखिए ना, अगर मान लीजिए आफपा या दुनिया की किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इंसान आ जाए, 14 दिन में कोई पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाली, 19 का 20 कर देंगे आप सच बोलना सिखा देंगे सामने वाले को, करेक्ट, प्रेजेंटेशन सही कर देंगे, करेक्ट, डांट के डिसिप्लिन में ले आएंगे, करेक्ट, तो फिर कैसे आप 50% रिकमेंडेशन दे रहे हैं? 30 बच्चों का एनरोलमेंट शार्प लेते हैं आप, और 50% रिकमेंडेशन और 99% स्क्रीन कर रहे हैं, राइट? देखिए, ऐसा है, जो व्यक्ति आ रहा है आफपा में या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो वहां जा रहा है बेसिकली बिकॉज उसमें जुनून है या उसमें जोश है। ओके, उसमें कुछ तो काबिलियत है। ठीक है, वो एक रफ डायमंड है जी, लेकिन ये तो है नहीं कि 14 दिन में ही उसने सारे परिवर्तन हुए हैं। Okay. उन 14 दिन के बाद जब वो अपने घर जाता है, जो उसने उन 14 दिन में सीखा है, क्या वो उस पर अमल करता है कि नहीं करता है? अगर वो उस सारी चीजें को अपनी जिंदगी में, अपने आप में इंटरनलाइज करके उसको, है ना, उसके ऊपर अमल करता है और अपने आप में बेहतरी करने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली उसके पर्सनैलिटी पे असर पड़ेगा। ओके, चलिए सर, मैं आफपा के बारे में थोड़ी देर बाद आऊंगा, क्योंकि आफपा में ऐसी कई चीजें होती हैं जो बहुत जगह नहीं होती हैं, एंड दैट वाज सरप्राइजिंग। बट मैं अब यहां पर आना चाहूंगा ओएलक्यू पे, पीआईक्यू में ओएलक्यू दिखता है। अभी शुभम वाजपेयी का अगर मैं पीआईक्यू फॉर्म देखूं मोटा मोटा, तो मुझे बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया, एक 23-24 साल का लड़का है, 1 लाख रुपए कमा रहा है। अब तो मम्मी ने लड़की देखनी भी शुरू कर दी होगी, अच्छा खासा कमा रहा है। तो अब सीन क्या आ रहा है, अगर 1 लाख शुभम कमा रहा है तो उसके पास में दिख रहा है कि बंदे को ऑर्गेनाइज करना आता है, दिमाग चलाना आता है, तभी इतना कमा पा रहा है, वो भी रेपुटेटेड पोजीशन ऑफ मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर।
छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। अब यहां से ये बात भी दिख रही है पहले वाली चीजों से कि बंदा ऑर्गेनाइज्ड है, बंदा अपनी पढ़ाई भी देख रहा था, स्पोर्ट्स भी देख रहा था और मेडल लेकर आया बकायदा स्टेट नेशनल और जो जोनल चैंपियनशिप में भी। सो ये हार्ड टू बिलीव है कि इंसान बेवकूफ होगा। तो जब आप इतनी सारी OLQ देख रहे हैं तो आप OLQ का क्या मार्क करते हैं कहीं कि यार ये OLQ चेक हो गई, ये भी OLQ चेक हो गई, ये भी OLQ चेक हो गई, 15 OLQ चेक हो गई, रिकमेंड हो गया। आप क्या मेरे सारे सीक्रेट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं? सर वो ही चाह रहा हूं मैं तो। देखिए ऐसा है कि यू आर बाय एंड लार्ज करेक्ट, ठीक ओके है। आप डेफिनेटली एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर मार्क करता है और ये देखता है कि हर OLQ में क्या आपकी मैं आपके अंदर मतलब शुभम के अंदर किस मात्रा में है। ओके, आप इसको 5 पॉइंट स्केल बोलिए, आप इसको 3 पॉइंट स्केल बोलिए, आप इसको जो भी पॉइंट स्केल पर बोलना है वो बोल लीजिए, ठीक है। बट इट इज देयर नॉनदलेस, राइट। आप ये कह सकते हैं कि 3 पॉइंट स्केल में इनएडिक्वेट, एडिक्वेट, वेरी गुड, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि अनएक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, वेरी गुड। और 5 पॉइंट स्केल में होगा तो भाई 5 इज वेरी गुड, 2.5, 2 और 3 के बीच में ओके, एक्सेप्टेबल लिमिट्स है, और 1 आ गया तो भैया इसको माफी कर दो, राइट। सो विच एवर वे इट इज एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज डेफिनेटली मार्किंग द कैंडिडेट बेस्ड ऑन ईच OLQ इन सम फॉर्म और द अदर, दैट इज व्हाई ही इज मेकिंग नोट्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आपने गौर किया होगा जी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने आपका PIQ होता है और एक पैड होता है जिसमें वो लिख रहे होते हैं, जी लिख रहे होते हैं, नोटेशन कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, आप नहीं जानते, लेकिन एक पैड जरूर होता है उनके पास, एक कलम जरूर होती है जी और आपको पहले बता देते हैं, आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम्स इफ आई कीप नोटिंग डाउन, ओके हाँ बिल्कुल याद है सर मेरे को आपको याद होगा, जी ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज जस्ट दैट डोंट फॉरगेट, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर एक साथ में 5, 6, 7 इंटरव्यू कर रहा है, जी आफ्टर 6, 7 इंटरव्यूज आर ओवर ओनली देन विल ही स्टार्ट रीलिविंग दैट सेम इंटरव्यू अगेन इन हिज माइंड, टेकिंग ए लुक एट द नोटिंग दैट ही हैज मेड एंड डिटरमिन कि मिस्टर शुभम वार्ष्णेय कहाँ पे आ रहे हैं हर OLQ में। जी एंड बिलीव मी, अगर इंटरव्यू में 45 मिनट लगते हैं, मार्किंग में उससे कहीं ज्यादा लगते हैं, जी क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर को आपके सिर्फ एक जवाब नहीं, वही सवाल उसने कई तरीकों से कई जगहों पे पूछा है, वो ओके सारे जवाब का एवरेज आउट करना है या उनको टेक इनटू अकाउंट करके एक निष्कर्ष पे आना है कि इज इट देयर और नॉट देयर। ओके मैं आपकी सारी बात समझ गया। अब मैं जरा शुभम की कहानी ट्विस्ट करता हूं वापस। 12th करके आया, रीजन ऐसे बड़ा दिया। ट्विस्टेड लड़का है शुभम, क्या सर? बड़ा ट्विस्टेड लड़का है शुभम। हाँ सर क्या करें, मेहनती है ज्यादा है ना सर, सिलेक्शन के लेगा वो। तो अभी सीन क्या है सर, शुभम 12th किया, उसने आपको रीजन बताया कि सर मेरी माँ बीमार थी, वेंटिलेटर पे थी 2 साल, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था और मुझे स्पोर्ट्स भी मैनेज करना था और मुझे पढ़ाई भी मैनेज करनी थी, इसमें पढ़ाई मैनेज करने में फेल हो गया सर मैं। ठीक है, आपने कहा वैलिड रीजन, आपने प्रूफ, आपने सवाल पूछे वेंटिलेटर और क्या हुआ कैसे हुआ, इनफैक्ट आपने वेंटिलेटर की स्पेलिंग तक पूछ ली, क्या पता इसको ये पता नहीं हो, है ना, स्ट्रेस के लिए आपने वो सब कर लिया। अब जब आप आगे आए तो शुभम एक बात बताओ यार, मम्मी तो ठीक हो गई होंगी अब 2 साल बाद, तो बीटेक में नंबर क्यों आए? तो उसने बड़ा कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया, सर मैंने तब डिटरमाइन कर लिया था कि मैं अब आर्म रेसलर ही बनूंगा और मैं अपने करियर के पीक पे था, मैं नेशनल चैंपियन था, सो आई एम 1 स्टेप फॉर टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन, मुझे सिर्फ वर्ल्ड में अब खिताब जीतना था। तो इस वजह से ऐसा होता था सर, मैं बीटेक का एग्जाम का पेपर इनफैक्ट बिना पढ़े जाता था और जितना मैंने क्लास में सुना था मैं वो लिख आता था और मैं बाय चांस पास भी हो जाता था। और ये मेरी कहानी है सर। वाओ, मतलब सुनने में राइट, तो बड़ा अच्छा लग रहा परफेक्टली है। फाइन, परफेक्टली फाइन। जी तो हो सकता है, हो सकता है, आई डोंट नो, हो सकता है मैं शुभम को बोलूं कि यार वो आर्म रेसलिंग का कंपटीशन है, तुम तो नेशनल प्लेयर हो, मैं अब आपको, मैं प्रिंसिपल हूं आपके कॉलेज का, एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है इंटर कॉलेज, ओके आप ऑर्गेनाइज कर दीजिए। ओके अब शुभम ऑर्गेनाइज करेगा, बताएगा मुझे क्या कर रहा है, जी ठीक है। अगर वो हकीकत में इंटरनेशनल प्लेयर है, जी अपना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उसका दिखाई देगा मेरे उस मुझे उसके ऑर्गेनाइजेशन में, जी ठीक है। ऐसे जब वो सवाल पूछ रहा, जब वो अपना ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसने सिचुएशन डालूंगा, जी
ठीक है, शुभम को बोलूंगा कि हो सकता है, अब मैं तो जानता नहीं कि मैं इंटरव्यू थोड़ी ले रहा हूँ शुभम का राइट अवे, जी बट आई कुड आई कैन आस्क, ओके शुभम यू नो दिस गाय देयर वाज दिस चैप यू नो थॉमस हार्डी हु वाज अ वेरी गुड आर्म रेसलिंग गाय, हैव यू हर्ड ऑफ हिम? यस सर आई हर्ड ऑफ हिम. अच्छा थॉमस हार्डी, तो मैंने अपना नाम बनाया मैंने अपने मन से निकाला है, मुझे गंभत मालूम ही नहीं कि थॉमस हार्डी कोई बंदा है. ओके ठीक है, लेकिन शुभम एक्साइटमेंट में, यस सर यस सर, सर आई हैव सीन हिम बॉक्स, आई हैव सीन हिम आर्म रेसल, ही वाज वन ऑफ द लेजेंड्स. अच्छा विच कंट्री डज ही कम फ्रॉम? शुभम ने कोई भी कंट्री बता दी. अब एक झूठ बोल को छुपाने के लिए अब शुभम पांच छह झूठ झूठ और बोलता ही जाएगा. जी जी ठीक है, और अगर मैंने उसको बलून माह में पंचर कर दिया, यार आर यू श्योर देयर इज थॉमस हार्डी? ओके राइट, तो शुभम मालूम पड़ जाएगा शुभम कितने पानी में है. जी जी इसलिए मेरा मशवरा हमेशा होता है शुभम और शुभम जैसे लोगों के लिए, हर कैंडिडेट के लिए इनफैक्ट, कि अगर आप PIQ में कुछ लिखते हैं जी, तो डोंट फॉरगेट आप खुद अपने हाथ से लिख रहे हैं विद हार्डली एनी प्रेशर ऑन यू. ओके तो अपने आप पे कृपा करें, डू योरसेल्फ अ फेवर एंड राइट द ट्रुथ. ओके इफ यू हैव नॉट डन समथिंग फॉर गॉड सेक डोंट राइट इट. ओके बिकॉज यू विल गेट कॉट. ठीक है मैं आपकी बात सब समझ गया, बट शुभम ने आप सब सच लिखा है, वेरी सच लिखा है, और उसने कहा सर थॉमस हार्डी तो मेरे साथ सुना नहीं, शायद कोई नया प्लेयर आया होगा क्योंकि मैंने अभी छोड़ दिया है, कुछ साल हो गए हैं तो मुझे अंदाजा नहीं है. मेरा तो ड्रीम था सर एलेक्सी बोवेडो और डेनिस शपोवालोव के साथ, जो रशिया के चैंपियन हैं, जो वर्ल्ड चैंपियन का खिताब भी रखते हैं, उनके साथ ट्रेन करो. और उसने आपका जो जवाब था कि शुभम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करो आर्म रेसलिंग का, और उसने बड़ा बेहतरीन तरह से बताया सर, वेल मैं पहले एक टीम बनाऊंगा, प्लान बताऊंगा और उनको बता दूंगा कि पहले हमें चाहिए क्या, और उसके बाद हम वो चीजें पहले अरेंज कर लेंगे, वेन्यू हम पहले डिसाइड कर लेंगे, और फिर मार्केटिंग तुरंत स्टार्ट कर देंगे साइमल्टेनियसली, जिससे हम पब्लिक को ला सकें, एंड फाइनली उसकी फी इतनी मैं इसको लिखेंगे कि ऑडियंस बहुत आ सके, और जो क्योंकि ज्यादा ऑडियंस आ जाएगी तो कलेक्टिवली स्मॉल अमाउंट भी बड़ा बन जाएगा, जिससे प्राइज मनी भी बड़ा हो जाएगा, प्रिंसिपल भी खुश, हम भी खुश, ऑर्गेनाइज भी हो गया, और नेक्स्ट ईयर भी हमें सर मिल जाएगा ऑर्गेनाइज करने का मौका. बड़ा अच्छा बताया. अब शुभम वाशने की ऑर्गेनाइजिंग स्किल, रीजनेबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, साइमल्टेनियसली काम करने का तरीका, इनिशिएटिव, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क सब आ गया. करेक्ट, इंक्लूडिंग सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, इंक्लूडिंग सोशल अडैप्टेबिलिटी, इंक्लूडिंग लीडरशिप स्किल्स, जी कॉन्फिडेंस, जी यार सब आ गया. अब मेरा एक सवाल ये है, क्या ये सभी OLQ का जानना एक कैंडिडेट के लिए जरूरी है? नहीं तो क्या जानना जरूरी है कैंडिडेट के लिए? कैंडिडेट को जो जरूरी है जानना वो ये है कि वो अपने आप को अपने नेचुरल जो है वो खुद अपने आप में वो दर्शाए. ओके प्लीज बी योरसेल्फ, बी नेचुरल. आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे चाहे जो भी हो, वेरी ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्टिव हैज टू गेट सिलेक्टेड, जी बिल्कुल, बट कीप इन माइंड यू आर ऑल्सो देयर टू एंजॉय योरसेल्फ. ओके प्लीज एंजॉय द इंटरव्यू, प्लीज एंजॉय द SSB, गो देयर विद एन ओपन माइंड, एब्जॉर्ब वॉट एवर इज हैपनिंग. ओके राइट, जितना आप कम स्ट्रेस अपने अपने ऊपर लेंगे उतना आप ज्यादा नेचुरल होंगे, और जितना आप ज्यादा नेचुरल होंगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके सिलेक्शन की. ओके मैं आपकी बात सर सब समझ गया, बट यहां से मैं आपसे एक काउंटर सवाल डालना चाहता हूं. PS2 में अगर शुभम वाशने की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज देखें तो काफी कुछ लिखा हुआ है उसने. उसने वहां पर साफ साफ मेंशन किया है कि सर मैंने एंकरिंग भी की है, मैंने स्कूल और कॉलेज में दोनों टाइम की है, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स में तीन स्पोर्ट्स खेले हैं उसने, 400 मीटर खो खो एंड आर्म रेसलिंग. ये तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज हो गई. मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई ऐसा कैंडिडेट आपके पास आ जाए कि जिसके पास ना तो स्पोर्ट्स हो ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या आप उस कैंडिडेट को रिकमेंड नहीं करेंगे? बेसिकली कोई खास फर्क नहीं पड़ता. ओके देखिए मेनी ऑफ अस टुडे आर लिविंग इन अर्बन एरियाज, cities, okay, where there are very few opportunities for sports, firstly. Secondly, extracurricular activities mein indulge karne ke liye aapko time chahiye. It is quite possible if you take Bombay as an example or Delhi as an example, ghar se college ya school jo bhi hai, wahan se phir tuition classes aur multiple tuition classes, kyunki bhai physics koi padhayega, maths koi aur padhayega, chemistry koi aur padhayega,
राइट, इस सब में ही आप जगल अराउंड करने में आपको समय निकल जाता है, तो आपका समय ही नहीं मिला आपको कुछ और करने का, इट इज क्वाइट पॉसिबल, राइट। सो इफेक्टिवली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स आर ए गुड थिंग टू हैव, ओके, राइट, बट दे आर नॉट मैंडेटरी, ओके, बट इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, यू हैव द टाइम एंड यू येट डोंट गो गेट इनटू देम, देन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल आस्क यू अगेन कि भाई क्यों नहीं किया आपने, ओके, राइट, जी। तो फर्स्ट करिए, शुभम जो है वो 12th में पूना नहीं आया जी, बट 10th में बॉम्बे आ गया, ठीक है। 10th तक उसने सब कुछ किया था, 12th में उसने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं की जी, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, राइट। एंड फर्स्ट करिए, शुभम आया है एनडीए एंट्री के लिए, ओके, तो मैं शुभम से डेफिनेटली पूछूंगा कि शुभम 11th एंड 12th में आपने क्या किया, आपके क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थे। अब शुभम का जवाब मैं सुनना पसंद करूंगा कि कहता क्या है। नाउ आई विल टेल यू अ रियल लाइफ थिंग व्हिच वन ऑफ द कैंडिडेट्स इन माय ओन एक्सपीरियंस इन द लास्ट फ्यू मंथ्स सेड कि सर आई वाज लिविंग इन सो एंड सो आइलैंड आउटसाइड बॉम्बे, द आइलैंड नेम इज करंजा, ओके, तो करंजा से मैं बॉम्बे आता था, बोट में मुझे 45 मिनट लगते थे, फिर आधा घंटा लगता था फ्रॉम गेटवे से मुझे बॉम्बे वीटी स्टेशन पहुंचने में, 45 मिनट लगते थे फ्रॉम देयर टू गेट टू माय कॉलेज, ओके, ठीक है, 2 घंटे का तो उसका जर्नी ही हो गई। एंड ये तो है नहीं कि बोट उसको तुरंत मिल जाएगी, गाड़ी उसको तुरंत मिल जाएगी, ट्रेन उसको तुरंत मिल जाएगी, राइट, जी। सो नेचुरली इफ यू स्पेंडिंग 4 hours ऑन द इन ट्रेवल अलोन, 8 hours इन स्कूल, हाउ मच टाइम डज यू हैव लेफ्ट टू डू एवरीथिंग एल्स, होमवर्क भी करेगा, ट्यूशन भी करेगा, ट्यूशन में भी होमवर्क देगा, कहीं ना कहीं सोना भी है उसे, ठीक है, मॉर्निंग एवोल्यूशंस करने हैं, मम्मी पापा से बात भी करनी है, करंट अफेयर्स भी जानना है, राइट, बिल्कुल, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट ही डिडंट गेट टाइम टू डू एनी ऑफ दिस, बिल्कुल, सो दैट्स परफेक्टली फाइन, ओके, आई अंडरस्टैंड सर, बट यहां पर ये तो आपने एक्सट्रीम और रेयर केस बता दिया, हर कोई मुंबई के एक छोटे से आइलैंड में नहीं रहता, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इंसान की या एक ऐसे बच्चे की, सुबह उठा, खाना खाया, नाश्ता किया, एक बार नाश्ता छूट गया, कॉलेज गया, कॉलेज से वापस आया, ट्यूशन गया, थोड़ी पढ़ाई करी और सो गया, नहीं करी तो पबजी खेल के सो गया, राइट, अब उसका पीआईक्यू फॉर्म खाली है, राइट, इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स में, अभी क्या, तो लेट्स कॉल वो शुभम 2 कह लेते हैं उस आदमी को, उस कैंडिडेट को, तो शुभम टू आप हमें ये बताइए, हाउ मच स्पेयर टाइम डू यू हैव ऑन अ डेली बेसिस, ओके, गो अहेड, हाँ, तो सर इसमें उसने कहा कि सर बिजी शेड्यूल रहता है सर, और रात में बस एक थोड़ा मौका मिलता है तो माइंड फ्रेश करने के लिए सोने से पहले पबजी खेल लिया मैंने और फिर मैं सो जाता हूँ सर, आधा घंटा मिलता है करीबन, ओके, व्हाट अबाउट सैटरडे संडे, सर सैटरडे संडे मेरे पास जो दोस्त होते हैं उनसे पूरे हफ्ते मौका नहीं मिलता मिलने का, तो मैं उनसे मिलने चला जाता हूँ, ओके, तो दोस्तों के साथ करते क्या हुआ, सर वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, कभी कभार तो हम बाहर घूमने मूवीज देखने चले जाते हैं या नई प्लेसेस एडवेंचर जगह मुझे घूमना बड़ा पसंद है, तो पुणे में रहता हूँ सर मैं, तो लोनावला चला जाता हूँ कभी कभार, तो यहाँ से ट्रैवलिंग टाइम बड़ा अच्छा रहता है, और सर हम बाइक से ट्रैवल करते हैं तो मजा बहुत आता है, और अगर मॉनसून से पहले का टाइम हो, समर खत्म हो रही हो, तो सर ओके शुभम, देन नाउ यू टेल मी, आई एम डेलिबरेटली कटिंग यू बिकॉज़ दिस एग्जैक्टली व्हाट आई विल डू इन एन इंटरव्यू, ओके ओके शुभम, टेल मी लास्ट 3-3 बार जब आपने इस तरह से अपने एक्सकर्शन किए टू लोनावला, तो उसमें क्या हुआ, कितने लोग थे, कहाँ गए, क्या किया और किस तरह से एंजॉय किया, सर मैं आपको बता तो दूंगा बट आप ना हंसेंगे जरूर, हमने ऐसा किया कि हम रात के 12 बजे लोनावला के लिए निकल गए, तो हमारी बेवकूफी थी नंबर वन, वो प्लानिंग नहीं थी बट एक्साइटमेंट बहुत थी, क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टी हमें मिल गई थी और हमने सोचा क्योंकि कॉलेज सडनली बंद हो गए थे बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, मुझे ओके शुभम, आप जा रहे हो उसमें, आप 4 बाइक्स में थे, फर्ज करिए आपके एक बाइक पंचर हो गई, फ्लैट हो गई, जी सर आप यकीन नहीं मानेंगे एग्जैक्टली यही हुआ था हमारे साथ उस रात में, इसलिए आपको बोल रहा था कि आपको हंसी आएगी, उस रात हम मिडल ऑफ द हाईवे, जब कोई नहीं था, सुनसान था,
और वो रास्ते में हमारी बाइक पंचर हो गई, और इनफैक्ट यही नहीं, एक बाइक की चेन ही टूट गई थी। तो हम लोग, अब दो बाइक है हमारे पास और उनमें से दो बाइक में पंचर और एक में चेन है, चेन टूटी हुई है। तो एक बाइक को तो आप धक्का मार दोगे, लात लगा के आगे बढ़ा दोगे, तो दूसरे का क्या, तो हमारे क्या पास कोई किया, ऑप्शन नहीं था तो क्या किया आपने? सर। पहले तो हम लोग काफी देर तक सोचते रहे क्योंकि हाईवे एकदम सुनसान था, और हमारे साथ एक लड़की भी थी, तीन लड़के और एक लड़की। तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि एक लड़की को छोड़ दें, क्योंकि उस जो उसके बॉयफ्रेंड की बाइक थी वो है, तो अकेले उसे कुछ हो जाता और अकेला लड़का क्या कर लेगा, हमारे पास बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो हमने इमिजिएटली क्या किया कि दो बाइक लेकर हम एक बाइक लेके सॉरी एक बाइक लेके इमिजिएटली जो नियर बाय होटल है हमने वो बुक किया, और लड़की को पहले वहां पर हमने ड्रॉप किया। अब हम बच गए तीन लड़के। मैं वहां से वापस आया क्योंकि ओके मैंने उस लड़की सर, को जिस ड्रॉप तरह किया से था। आप बोल रहे हो, लॉट जी मेनी थिंग्स आर कमिंग आउट। ओके ठीक है, अब आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चाहे भले ही ना की हो, जी राइट, इट इज शोइंग प्रेजेंस ऑफ माइंड, इट इज शोइंग हाउ यू आर रिएक्टिंग टू अ सिचुएशन। ठीक है, इट्स ऑल्सो शोइंग यस इंडीड यू हैव डन इट, बिकॉज जिस तरह से आप बोल रहे हो, जी अगर ये सच होता रियलिटी स्पीकिंग, यू हैव बीन स्पीकिंग विद पैशन, यू हैव बीन स्पीकिंग एज दो ऑन योर फेस यू आर रीलिविंग दोज मोमेंट्स, जी वो दिखाई देता है, जी राइट? सो उससे मालूम पड़ जाता है कि ओके फाइन, अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से हम क्या देख रहे हैं, द मात्रा ऑफ द एवल्यूज। अच्छा जी माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट, योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैव नो मीनिंग, योर मार्क्स हैव नो मीनिंग, ओके राइट? मोस्ट ऑफ व्हाट एवर क्वेश्चन वी आर आस्किंग यू आर हैव एक्चुअली नो राइट आंसर। ओके ओके, ऑल वी आर ट्राइंग टू डू इज टू डिटर्मिन डू यू हैव द ऑप्शन लाइक क्वालिटीज इन द करेक्ट मेजर। ओके माई ऑब्जेक्टिव इज ओनली दैट। मैं सिर्फ अर्जुन की आंख, अर्जुन की तरह वो मछली की आंख देख रहा हूं, मेरे लिए वो मछली की आंख है 15 क्वालिटी, ओके आपका जवाब नहीं। अच्छा शुभम वार्ष्णेय ने गोल्ड मेडल जीता है इन लेट से सेलिंग, और लेट से बॉक्सिंग, और लेट से हॉकी, ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि शुभम वार्ष्णेय में ऑप्शनल क्वालिटी सही मात्रा में नहीं है, यू गेट रिजेक्टेड। ओके इट ऑल्सो इज पॉसिबल शुभम वार्ष्णेय ने जिंदगी भर कोई भी गेम नहीं खेला है, ठीक है ठीक है, कोई खास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं की है, लेकिन जैसे शुभम वार्ष्णेय टू ने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई कि नहीं, मैं पहले लड़की को सेव करूंगा, एक बाइक बाइक ठीक है उसमें दो, अब जाके उसको हमने सेफ्टी की जगह रख दिया, फिर हमने अपने आप को सॉर्ट आउट किया, राइट? जी इट्स क्वाइट पॉसिबल ही गेट सेलेक्टेड, ओके क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज नॉट योर, नॉट वॉट यू हैव डन, ऑब्जेक्टिव इज डू यू हैव द ओएलक्यू और नॉट, ओके सिंपल सी चीज है। ओके मैं आपकी बात सारी समझ गया। बट कई लोगों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और हॉबीज बड़ी अलग होती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखना, सीरीज देखना, कोरा पे लिखना, ब्लॉग लिखना, या सिंपल फोटोग्राफी करना, वो भी मोबाइल से। तो क्या आपके लिए कोई रिलेवेंस है इन चीजों का? क्योंकि अगर सोच के देखें, अगर पेरेंट्स को पता लग जाए ना, डांट डांट के खत्म कर दें इंसान को, ये कुछ करने वाली करेक्ट, चीजें होती हैं, आई एग्री। तो आपके लिए सो क्या माय हो सकता आंसर है? रिमेन्स द सेम जो मैंने पहली बार बोला, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से मैंने कोई लेना देना नहीं, ओके आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मुझे आपका माइंड स्टेट बताती है, ठीक है? अब ओके आप फर्ज करिए, आपका आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नेटफ्लिक्स में मूवी देखना है, जी वेरी गुड, टेल मी द लास्ट 3 मूवीज यू हैव सीन, आप कुछ तो बोलोगे, जी बिल्कुल ठीक है, व्हाट डिड यू लाइक इन दैट मूवी, ओके चलिए सपोज करिए सर, मैं इसका आंसर भी बोल देता हूं। मैंने बोला सर मूवीज तो नहीं देखी, पर मैंने सीजन देखा था, वो था सेक्रेड गेम्स, ओके और दूसरा था कराटे किड 2। ये दोनों चीजें ओके हैं, ये मैंने देखी थी सर, और बड़ा ही अमेजिंग था, मजा आया सर। बट सर वो व्हाट आर द 3 लर्निंग्स एंटरटेनमेंट फ्रॉम देयर? सर, लर्निंग तो मुझे सिर्फ इंग्लिश का स्पोकन ही बढ़ाने को मिली, उससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, और प्लस वहां का एक कल्चर सीखने को मिला सर। ओके, टेल मी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर ऑफ कोरिया। सर कोरिया का नहीं था, मैं वहां पर, वो अमेरिका का था सर, कराटे किड एक अमेरिकन शो है सर, तो मैं अमेरिकन शो वेरी का बता गुड, सकता हूँ आपको। वेरी गुड, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कोरिया, अच्छा आपने कराटे किड देखी है या नहीं देखी है,
मुझे मालूम पड़ रहा है। ओके आपको मैं कल्चर पूछूंगा, आप कल्चर के बारे में कुछ पूछोगे, कोई तो जवाब दोगे। मैंने आपको थ्री ओके आइटम्स बोले, उन थ्री आइटम में किसी एक आइटम पे मैं डेप्थ चला जाऊंगा। क्या ओके जो चीज मैं जानता हूं अमेरिका के बारे में उसको बेसिस बना के मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आई एम लुकिंग एट वेदर यू फ्रॉम अ मूवी वॉर हाउ आर यू एबल टू रीजन आउट समथिंग। ओके मैं आपकी बात समझ गया सर, बट यहां पर मेरा एक काउंटर सवाल आ रहा है सर। काउंटर सवाल क्या है कि आपने बीच में एक जगह एम्फसाइज किया कि तुम वहां से सीख क्या रहे हो। व्हाई डू यू एम्फसाइजिंग समथिंग कि आप हॉबी और एक्स्ट्रा से कुछ सीख ही रहे हो। देखिए ऐसा है, सब कॉन्शियसली ही हो सही, ठीक है। मैन इज लर्निंग एवरी मिनट ऑफ हिज लिविंग लाइफ। ओके इन एन इंटरव्यू, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, जी राइट, आपको लगता है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, बाकी लोग सीख रहे हैं आपसे, या आप सीख रहे हो, बट लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, मैं भी सीख रहा हूं। ओके मैं भी उतना ही सीख रहा हूं, शायद ज्यादा देन इवन यू और एनीबडी एल्स, बिकॉज एवरीथिंग इज टीचिंग समथिंग और द अदर, री इन्फोर्सिंग समथिंग और द अदर। ओके, सम कुछ चीजें ऐसी होती हैं विच टीच यू हाउ टू डू थिंग्स और हाउ टू बिहेव, हाउ टू प्रोजेक्ट योर सेल्फ। देर आर सम थिंग्स दैट टीच यू हाउ नॉट टू डू समथिंग, वॉट यू शुड नेवर डू, ओके राइट। अब जैसे आप कोई मूवी देखेंगे, यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ कराटे किड इटसेल्फ, जी राइट। इन यूएस इफ यू गो एंड स्टार्ट डूइंग नमस्ते टू पीपल, दैट्स नॉट व्हाट इज इन नॉर्म, दैट्स नॉट द कल्चर, ठीक है। लेकिन आप यूएस का कल्चर लेके हग कर रहे हैं और वापस इधर आके आपने, आपको पहली बार आपकी एक नेबर आपके घर आए और आपने उसको हग कर दिया, गड़बड़ ठीक है, हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी। सो जी यू आर ऑल्सो लर्निंग वॉट यू शुड नॉट डू, जी ठीक है। इट इज नाउ योर रीजनिंग और योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एब्जॉर्ब, रीजन आउट वॉट एवर, दैट यू विल शो व्हेन आई आस्क यू क्वेश्चंस, ओके ठीक चलिए है। अब मैं इट इज आपसे जस्ट नॉट फीजिबल दैट यू डन समथिंग एंड यू नॉट लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। हाँ ऑब्वियसली यू नॉट, आप कभी ये सोचोगे नहीं। फर्स्ट लेट्स टेक अ सिंपल मसाला मूवी, टोटली मसाला मूवी, एनीथिंग दैट यू वांट यू कैन थिंक ऑफ अ मसाला मूवी, लाइक लेट्स से सर मूवी का नाम है बताता हूँ, मसाला ही है, गरम मसाला मूवी का ही नाम है। ओके, गरम मैंने देखी नहीं है, गरम मसाला। सो आई जस्ट चलिए थॉट आई विल से मेनी ऑफ दिस दबंग मूवीज, दबंग, ओके दबंग इज अ टोटली मसाला जी मूवी, बिल्कुल ठीक है। बट डू यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट? ओके सब आप कभी जब दबंग देखने जाओगे, आपने ये कभी सोचा ही नहीं होगा कि मैं वहां से कुछ सीखूंगा जी बिल्कुल या मैं कुछ सीख के आया हूं मूवी के बाद भी, ठीक है। लेकिन व्हेन यू आर क्वेश्चन्ड एंड यू स्टार्ट एनालाइजिंग, कम अप विद समथिंग और द अदर, ठीक है। दैट समथिंग और अदर इज शोइंग योर ब्रेन, योर मेंटल लेवल, ओके ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबडीज मेंटल लेवल इज द सेम, सो दे विल कम अप विद द सेम आंसर। नो नो, टू पीपल विल कम अप विद द सेम आंसर। ओके चलिए यहां तक की बात मैं समझ गया, बट यहां पर सर आपने अभी तक बोला है ट्रूली बोलना है सब कुछ सच, बट आप भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे आई थिंक। मैं मतलब मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि इंटरव्यू इज अ गेम ऑफ इंप्रेशन, ओके, तो अगर गेम ऑफ इंप्रेशन में तुम सब कुछ सच बोल दोगे तो तुम्हारी बात बिगड़ भी सकती है। फॉर एग्जाम्पल शुभम वाचने को ही लेते हैं, अगर शुभम वाचने को थोड़ा डिग इन करें, 2017 में पास आउट हुआ है तो 21 साल का होगा वो, बट अगर उसके करियर को देखें तो उसने नौकरी दो जब वो 22 साल का था तब उसने करी है, तो हो सकता है उसकी या तो डेट ऑफ बर्थ तभी आ गई हो जैसे उसने पास आउट हुआ हो तब 22 साल का हो गया, पर उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1996, तो 1 जुलाई को बाहर निकला हुआ कॉलेज से और अगले 1 साल बाद वो 22 साल का हुआ होगा, तो 1 साल उसने क्या किया, घर बैठा रहा। अब वो जनाब मीनवाइल एसएसबी भी आ गए कि सर यार नौकरी तो यहां पर भी मिल रही है, ट्राई मारने में यहाँ कहा जा रहा है, वो आ गए सर, उसने आपको बता दिया कि सर ऐसा था मेरे पास नौकरी थी नहीं, बीटेक के बाद मुझे डायरेक्ट एंट्री यहां पर मिल रही थी, मैंने फॉर्म भर दिया,
और मैं इस मौके को अपॉर्चुनिटी गंवाना ही चाहता था क्योंकि आर्म फोर्स इज द बेस्ट लाइफ। वैसे मैं सर अभी खाली बैठा हूँ और मेरे पास नौकरी नहीं है। इनफैक्ट मुझे कोई 10,000 की नौकरी देने को तैयार नहीं हो रहा। मैंने कोशिश बड़ी की और इनफैक्ट सर आप यकीन नहीं मानेंगे, सच ये है कि मैंने एक इंसान से कहा तो मुझे फ्री में रख ले, बस काम सिखा दे। उसने मेरे को उसमें भी मना कर दिया सर। अब इंसान अगर इतना सच बोल गया सर, और इंसान की लाइफ में आज की तारीख में इंजीनियर, स्पेशली मैकेनिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल, जो भी आईटी फील्ड नहीं है उसमें ये हो रहा है, उनको जॉब नहीं मिल रही, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा डाउन है, तो वो ये सच ऐसा बोल देगा सर तो वो आप तो उसे सेलेक्ट ही नहीं करोगे। क्यों? जरा मैं आपको थोड़ा और इंट्रीक करता हूं। अगर वो ऐसा सच बोल रहा है सर, जो जो बाकी उसके दोस्त हैं उसको नौकरी मिली है, क्या उनसे वो पार्शली कम है क्या कैपेबिलिटी में? देखिए, ऐसा है, लेट्स टेक अ ट्रू एग्जांपल। ओके देयर वाज अ कैंडिडेट, अभी अभी मैंने इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले, जी ठीक जी है, बीटेक मैकेनिकल, ओके कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, ओके राइट, घर में है और कुछ नहीं हो रहा था। उसने सच सच बोल दिया कि सर SSB के लिए आई जस्ट थॉट कि और तो कुछ कहीं जा नहीं रहा हूं, लेट मी ट्राई आर्मी। तो मैं आर्मी के लिए मैंने फॉर्म भर दिया, कहा ओके, व्हाट एल्स आर यू डूइंग? सर आई एम नाउ थिंकिंग ऑफ हाउ आई कैन मेक माई सेल्फ एम्प्लॉयबल। वेरी गुड, व्हाट हैव यू डन अबाउट इट? तो कहता है सर मैं एक्चुअली, मैंने है ना देखा कि मेरे आसपास, वो ग्वालियर का रहने वाला था, ओके ठीक है, उसने बोला सर ग्वालियर में मेरे पास नौकरी यहाँ पे क्या मिल सकती है, ठीक है, और मैंने चेकआउट किया कि सर ये टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, इसमें ये चीजें होती हैं, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ओके ठीक है। तो मैंने वहां पे कोशिश की लेकिन वहां पे नहीं हो रहा था, लेकिन वहां जो है एक सज्जन मुझे मिल गए जिन्होंने बोला कि बेटा इफ यू वांट अ जॉब आई कैन गिव यू अ जॉब ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड। ओके, हाँ मुझे सर जरूरत थी, आई टुक द जॉब ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड और नाइट कॉलेज करके मैंने अपने आईटी स्किल्स, क्योंकि मुझे लगा था कि आईटी इज द ओनली थिंग पॉसिबल, और उसी कंपनी में जहां पे मैं सिक्योरिटी गार्ड था वहां पे आई कुड सी देयर हैव अ प्रॉब्लम विद आईटी स्किल्स। मैंने उसी कंपनी में 6 महीना सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, वहीं पे काम करना लगा ओके इन द आईटी फील्ड। ठीक है नाउ इट शोज अ वेरी डिफरेंट पिक्चर ऑफ, जैसा आपने शुभम वार्ष्णेय का बताया कि वो कुछ नहीं कर रहा है, यहां पे वो बंदे ने जो मिला पहले उसको लिया और उसमें इंप्रूवमेंट लाने शुरू कर दी। नाउ इट ओके शोज हिम इन अ टोटली डिफरेंट लाइट, ओके करेक्ट। ऑन द अदर हैंड इट कुड बी कि शुभम वार्ष्णेय कहता है कि सर मेरे फादर ने कहा वी आर वेरी वेल, रीजनेबली वेल टू डू, फादर ने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आई एम गिविंग यू 2 ईयर्स और 1 ईयर ट्राई कर, जहां जहां तेरे को मिलता है देन आई विल सी व्हाट आई कैन डू टू हेल्प यू, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग ऑन योर ओन फर्स्ट, ओके दैट इज ऑल्सो पॉसिबल आंसर। आई रियली डोंट नो वॉट इज द रियलिटी ऑफ शुभम, आई ओनली नो शुभम रियलिटी व्हेन शुभम टेल्स इट टू मी, ठीक है। बट डोंट फॉरगेट, अगर शुभम सच बोलेगा तो वो दिखाई देगा कि वो सच बोल रहा है। अगर शुभम एक जवाब देगा जो मेरा जवाब है, लेकिन शुभम का जवाब नहीं है, ओके वो मेरा जवाब किसी और को सही मात्रा में दे ही नहीं सकता जी कन्विंसिंगली, जी चाहे जितना रट ले, ठीक है, अनलेस ही लिव्स दैट इमोशन हिमसेल्फ, दैट एक्सपीरियंस हिमसेल्फ, ही कैन नॉट गिव एन आंसर, बिल्कुल सर ठीक है। तो वो दिखाएगा कि अपने आप में कि आप झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक है। सो इसीलिए मैंने कहा यू आर बेटर ऑफ टेलिंग द ट्रुथ, क्योंकि आप झूठ में तो नहीं पकड़े जाओगे, बाकी चीजें तो जो हैं वो हैं, और आप अपने आप में हीरा हैं। वो हीरा हो सकता है फौज में चमके, या आईटी फील्ड में चमके, या मैकेनिकल इंजीनियर की तरह चमके, या फॉर ऑल यू नो ये सबसे बिल्कुल विपरीत। आई विल गिव अनदर एग्जांपल, मेरे ही बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका लड़का बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम वेलोर VIT, जी चार कंपनीज में कैंपस प्लेस्ड, ओके लेकिन भाई साहब आजकल फिल्म बना रहे हैं, अच्छा इज डूइंग वेरी वेल देयर, इज वेरी हैप्पी देयर,
देयरफॉर यू नेवर नो हीरा कहां चमक रहा है और किस फील्ड में चमक रहा है. जबकि चार साल बीटेक में उसने कभी ये इतना भी नहीं दिखाया कि उसको मूवी मेकिंग में इंटरेस्ट है. एंड सडनली वन प्लेस, एक जगह उसने देखा, उसने कुछ सजेशंस किए, उस बंदे ने बोला तू करके दिखा, उसने करके दिखा दिया. उसने ठीक है काम करेगा मेरे साथ, यही चीज कराऊंगा, लग गए. सो यू नेवर नो व्हाट लाइफ टेक्स यू एंड वेयर. राइट, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप सच बोले और सच के साथ साथ जहां भी आप जाओगे हीरा तो चमकेगा. चलिए मुझे आपकी यहां तक की सारी बात समझ में आ गई. अब शुभम वार्ष्णेय बैक टू ओरिजिनल पे आ जाए तो 1,03,000 की सैलरी पे है. सैलरी की फिगर देखने में ही आपको पता लग गया जीरो जबरदस्ती इंसर्ट किया गया है. ठीक है, आपने क्रॉस चेक करा कि नहीं जीरो इंसर्ट नहीं करा गया, जगह थोड़ी कम पड़ गई थी, वो इंसान जल्दबाजी में रह गया, जेसीओ से आप डांट रहे थे कि जल्दी जल्दी कर भाई बहुत टाइम लगा रहा, तो उसने जीरो जीरो वैसे लगा दी. ठीक है, बट आपके दिमाग में सवाल नहीं आएगा इंसान 1,00,000 की तनख्वाह लेकर छोड़, आई मीन 1,00,000 की तनख्वाह छोड़कर आर्मी क्यों ज्वाइन कर रहा है, लेफ्टिनेंट की तनख्वाह इतनी नहीं होती है. परफेक्टली करेक्ट, सवाल जरूर आएगा और सवाल जरूर पूछूंगा. ठीक है, तो शुभम कोई तो जवाब देगा. ठीक है तो शुभम लेट से शुभम ने जवाब दिया कि सर मैं बहुत पैशनेट हूं, मेरा मकसद है आर्मी ज्वाइन करना, मैंने मेरी दिली खुलाश ना ख्वाहिश थी, बचपन से यही कर रहा था, आई एम स्टिल वेरी कीन ऑन इट. ओके, अब मैं शुभम से पूछ सकता हूं कि शुभम बताइए आपको आर्मी में आप कहां अपने आप को देखते हैं 3 साल बाद 5 साल बाद. ठीक है अब शुभम को ये सवाल जो है, मुझे शुभम के जवाब से क्या मिलेगा, डज ही नो आर्मी, डज ही रियली अंडरस्टैंड व्हाट ही विल बी 3 years फ्रॉम नाउ. भाई 1.5 साल की ट्रेनिंग ही है जी, फर्ज करिए आईएमए में जा रहे हैं जी, ठीक है, या फर्ज करिए बीटेक करने के बाद शुभम अगर आ रहा है, सॉरी इसमें तो बीटेक के बाद ही ऑब्वियसली आ रहा है शुभम जी, ठीक है, तो उसकी ट्रेनिंग इटसेल्फ 6 महीने की है, 2.5 साल के बाद वो क्या कर रहा होगा भाई रफली तो मालूम होना चाहिए शुभम को. और बीटेक के बाद 6 महीने की अगर ट्रेनिंग की बात हो रही है तो ही इज नॉट गोइंग इनटू इन्फेंट्री, ही इज गोइंग इनटू वन ऑफ द सर्विसेज जी. ठीक है, क्या शुभम को ये मालूम है कि वो इंजीनियर्स में जा रहा है जी. वेरी गुड, शुभम को मालूम है, उसको मालूम है कि 2.5 साल के बाद उसकी तनख्वाह क्या होगी जी. उसको मालूम है ये ऐसा होगा जी. उसको मालूम है 5 साल बाद क्या होगा. ठीक है जी, देन आई एम कन्विंस दैट शुभम नोज व्हाट ही इज गोइंग इन फॉर एंड इज गोइंग इन विद हिज आईज ओपन. ओके, इज नॉट गोइंग विद अ नोशन. ओके, मुझे यूनिफॉर्म अच्छी लगती है इसलिए मैं यूनिफॉर्म पहनना चाहता हूं, इज नॉट कटिंग माय चॉइस. ओके, ठीक है सर, यहां तक मुझे बात समझ में आई, बट मैं यहां पर थोड़ा घुमा देता हूं. आपने थोड़ा इंट्रीक किया शुभम, कम ऑन, अभी 1,00,000 कमा रहे हो, कुछ साल और काम करोगे जनरल से ज्यादा पैसे कमाओगे, क्यों नहीं तुम उसको ही कंटिन्यू करो, मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर, जो इंसान 15,000, आपने थोड़ा सा सवाल पूछा तो आपको लगा 15,000 की नौकरी से शुरू किया था उसने, तो 15,000 से 1,00,000 में आ गया 1-2 साल में, क्या खराबी है, थोड़ा और काम करेगा 4-5 लाख तो आराम से कमाएगा, सैटरडे संडे की छुट्टी और मिलती है, आराम से घर बैठे. आर्म फोर्स में तो ये है, जितना सिपाही काम नहीं करता उससे 2-3 घंटे ऊपर ऑफिसर काम करता है, सिपाही ने 12 घंटे काम किया होता है 15 घंटे ऑफिसर काम करता है, जिंदगी का कोई हिसाब नहीं है. आपने ऐसे लॉजिक देकर उसके सामने रखा. अभी शुभम ने जवाब दिया सर कि सर बात खाली इतनी नहीं है कि यूनिफॉर्म चाहिए, यूनिफॉर्म तो चाहिए, उसने जवाब इसके साथ ये दिया सर, जब आप किसी गोल को अचीव करते हैं तो आपका सेल्स टीम तो हाई होता ही होता है, आप एक नए इवॉल्व पर्सन के साथ और उठते हैं. अब मैं अगर हम दोस्त ऐसे बैठे होते ना, हम लोग तो ताली मारते, क्या फिलोसफी का आदमी है, क्या जवाब दिया है, पर जब आप ऐसे जवाब सुनते हैं फिलोसफी का तो आपके दिमाग में क्या आता है. देखिए डिपेंड करता है कि शुभम ने ये सवाल भाई ये इस तरह का सवाल मैंने पूछा होगा आफ्टर अबाउट 25-30 मिनट्स ऑफ इंटरव्यू जी. बिल्कुल, पहले मिनट में तो पूछा ही नहीं होगा मैंने. बिल्कुल करेक्ट. ठीक है, तो वो पहले 20-25 मिनट्स में शुभम का क्या इंप्रेशन बना है मेरे ऊपर जी, क्या शुभम ने अपना इंप्रेशन जो अभी तक बनाया था वो लॉजिकल था, बंदा लॉजिकल है, रिसोर्सफुल है, अंडरस्टैंडिंग है उसकी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, राइट,
वेल ऑर्गेनाइज है बंदा जी, आई मे टेंड टू बिलीव इट। ओके ठीक है, अगर उसने ये पूरा इंप्रेशन बिल्कुल उल्टा बना रखा है, ठीक है, तो आई मे टेंड टू बिलीव कि यार इसको मौका मिला डायलॉग मारने का, इसने डायलॉग मारा। ओके ठीक है, और इट कुड बी एनीथिंग इन बिटवीन जी, डिपेंडिंग ऑन इंप्रेशंस दैट शुभम हैज क्रिएटेड टिल दैट मोमेंट इन टाइम। ओके राइट, एंड आई विल, अगर मुझे लगता है कि डायलॉग मारने का उसको मौका मिला है, डायलॉग मार रहा है, आई विल क्विकली अबैंडन दिस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग। ओके ठीक है, आई विल गो इनटू समथिंग एल्स। ओके ठीक है जी, एंड देन आई विल ब्रिंग कम बैक टू दिस इन अ डिफरेंट मैनर एंटायरली। ओके वेयर शुभम डज नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि उसको लगेगा कि अरे अगर अबैंडन कर दिया है ये लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग तो ही इज एक्सेप्टेड माय आंसर। आपको लगा ताली बजनी चाहिए थी, ताली नहीं बजी, लेकिन इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने स्माइल करके बोला वेरी नाइस गुड। ठीक है, शुभम बहुत खुश हो गया कि गुड बोल दिया। ठीक है, लेकिन इंटरव्यूइंग ऑफिसर वो है ना, विल ही कम बैक, वो चूहे की तरह है, जैसे वो उसको अगर चीज दिखाई देती है उस चीज पे तो आएगा। आपने चीज थोड़ी सी अलग कर दी, लेकिन किसी और रास्ते से आएगा उसी चीज के लिए जी। ठीक है, तो इंटरव्यू ऑफिसर विल कम बैक टू दैट प्लेस एंड रीकन्फर्म कि वेदर शुभम वाज टेलिंग द ट्रुथ और नॉट। ओके फाइन सर, यहां तक सब समझ में आता है, पर दो सवाल जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं रिपीटर के लिए और या किसी भी डिफेंस असेसमेंट के लिए, वो पहला सवाल ये है कि व्हाट आर योर थ्री वीकनेस एंड व्हाट आर योर थ्री स्ट्रेंथ। ये चीज कहीं भी पीआईक्यू फॉर्म में नहीं लिखी, एकमात्र यही एक चीज है जो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं लिखी गई। ये चीज SD में लिखी है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन में, पर वो साइकोलॉजिस्ट के पास है। आपका क्या मतलब बैठता है सवाल पूछने का, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आई एम श्योर पीआईक्यू फॉर्म में सरकार ने इसको डाला होता, इतना इंपॉर्टेंट है, आप क्यों पूछ रहे हैं? देखो ऐसा है, यू टेलिंग मी योर वीकनेसेस और योर स्ट्रेंथ्स, लेट मी गो टोटली डिफरेंटली। ये एक ही सवाल है जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो पहले से। ओके, देयर इज नो अदर क्वेश्चन जो इंटरव्यू आपको क्या इंटरव्यूअर पूछ सकता है, यू हैव नो आइडिया। करेक्ट, रियली स्पीकिंग यू हैव नो आइडिया। In fact, believe me, the interviewing officer himself does not know कि वो शुभम से क्या सवाल पूछेगा PIQ पढ़ने के बाद भी। जी ठीक है, he always lets शुभम take the lead। Okay, but in that lead he will keep moving him okay in the direction that he wants। Okay ठीक है, अब शुभम को मालूम है कि वो ये सवाल पूछा जाएगा मुझसे, three strengths and three weaknesses। जी, और अगर शुभम रिपीटर है उसको डेफिनेटली मालूम है कि थ्री स्ट्रेंथ थ्री वीकनेसेस पूछे जाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अगर उसने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली है जी, वहां पर भी उसको बोला गया है कि भाई ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस तो पूछे जाते हैं, नौ सवाल ये बनता है शुभम ने क्या किया इस जानकारी के साथ। ओके, शुभम को मालूम था कि सवाल पूछा जाएगा। जी बिल्कुल, शुभम हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर। जी, तो शुभम बताएगा थ्री स्ट्रेंथ्स थ्री वीकनेसेस। ठीक है, वेरी ऑफन लोग सबसे बड़ी गलतियां यहां करते हैं कि वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि मेरी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है। ओके सर, मुझे गुस्सा बहुत आता है, स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है? ओके ठीक है, सर मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, वीकनेस है, ये मैं स्ट्रेंथ भी बना सकता हूं इसको? ओके राइट, वेरी गुड, आपने बहुत ब्यूटीफुली वर्डेड, बहुत अच्छे से अंग्रेजी में या हिंदी में आपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बता दी। फिर मैं बोलूंगा कि शुभम ऐसा है, यू नो आपने वो दोस्त बताया था जब आप वो बाइक के ऊपर गए थे, वो एक लड़की भी थी वहां पे। जी जी, सपोजिंग मैं वो लड़की का क्या नाम था? बोले कोई एक नाम बता देगा। बता दिया, ठीक है, फर्ज करिए उसने बोल दिया रेशमा। हाँ ठीक है, फर्ज करिए। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यार देख, रेशमा इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी एंड शी इज रिलेटेड टू मी आल्सो, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, तो मैं रेशमा के गले में कंधे पे हाथ डाल के पूछता हूँ, यार रेशमा तुम शुभम को जानती हो ना? हाँ जानती हूँ।
बताओ उसके थ्री स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं तुम्हारे हिसाब से। जवाब तो शुभम ने देना। जी, कैन शुभम प्रोजेक्ट हिमसेल्फ इनटू रेशमा'स माइंड एंड फ्रॉम रेशमा'स पॉइंट ऑफ व्यू गिव मी थ्री स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ओके, अब ये आप ही के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मैंने ट्विस्ट कर दिए। बिल्कुल ठीक है। सो देयरफॉर द इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाज नॉट बोर्न यस्टरडे, लेट्स फेस इट। ठीक ठीक है। अ क्वेश्चन व्हिच यू कुड हैव प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग व्हाट हैव यू डन अबाउट इट। करेक्ट ठीक है। ये दर्शाता है आपके मेनी अदर ऑब्जर्वेशनल क्वालिटीज। बिल्कुल। फ्रॉम इनिशिएटिव टू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रॉम कॉन्फिडेंस टू डिसीजन मेकिंग, बहुत सी चीजें दिखाता है। जी बिल्कुल ठीक है। आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस दिखाता है कि भाई हैव यू एनालाइज्ड योरसेल्फ, हैव यू इंटरनालाइज्ड, व्हाट हैव यू डन, हाउ मच ऑफ सेल्फ अवेयरनेस डू यू हैव। जी ठीक है। अब शुभम को ऑब्वियसली एज अ कैंडिडेट इज नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू नो ऑल दिस कि वो क्या क्वालिटीज किस जवाब से मिल रही है। जी इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज द जॉब ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। ओके, शुभम जो नेचुरल सेल्फ है वो नेचुरल सेल्फ के हिसाब से जवाब देगा टू ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है ठीक है। और अगर एक जगह उसने रट के जवाब बना रखा है माय थ्री स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अब जैसे ही मैं जरा सा घुमा दूंगा वो रटा हुआ मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये रटा हुआ था। बिल्कुल ठीक है। एंड डोंट ऑल्सो फॉरगेट थ्री स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इज अमंग द लास्ट क्वेश्चंस। जी By then, the interviewing officer already knows Shubham's strengths and weaknesses. Correct. ठीक है। He is now comparing what does Shubham think and how much of self-awareness does Shubham have with respect to his awareness of Shubham. Okay. And if they are diametrically opposite, then he is likely to ignore Shubham's view on his strengths and weaknesses. Okay. करेक्ट सर, मैं आपकी सारी बात समझ गया सर। अब यहाँ तक सब खत्म हो गया, हमने PIQ बारे में हर चीज बात कर ली, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पर्सनालिटी। जब वो हर चीज लिख रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज, इस मार्क्स, वो सब उसकी पर्सनालिटी बता रहे हैं, उसका एटीट्यूड बता रहे हैं टूवर्ड्स द लाइफ। ऑफिसर को दिख रहा है करेक्टली कि उसने ऐसी चीजें क्यों करी हैं, बट सवाल वहीं पर रह गया कि ये पर्सनैलिटी डेवलप कैसे की जाए। जैसे मैंने टाई पहनी है, बाल ग्रूम्ड है, शेप्ड हूँ प्रॉपरली, ये तो आपका आउटवर्ड हो गया। ये तो आप किसी कोच के पास चले जाइए, वो आपको बता देगा भाई शर्ट कौन सी पहनी, आप क्यों मेरी शर्ट मैच कर रही है, क्योंकि हम दोनों को किसी ने बताया होगा कि तुम्हें लाइट रंग की शर्ट पहननी है जो प्रेजेंटेबल लगे और सामने वाले की आंख में चुभे ना, और टाई ऐसी कॉन्ट्रास्ट में पहननी है कि डार्क हो और शर्ट पे वो चमक रही हो और अच्छी लग रही हो। और सेम हम दोनों के केस में आपकी मैरून रंग की है और मेरी डार्क ब्लू रंग की है। ये चीज तो हमने सीख ली सर, बाल काटना सीख लिया, टाई लगाना सीख लिया, जूते पॉलिश करना सीख लिया, पर वो जो पर्सनैलिटी आप कह रहे हैं, जो एक रिपीटर है, क्योंकि मैं 6 टाइम रिपीटर हूं, वो एक पर्सनैलिटी कैसे निकलेगी? देखिए आप 6 टाइम रिपीटर हैं, हर बार आप गए हैं, आपने कुछ ना कुछ सीखा है हर बार SSB में। जी बिल्कुल ठीक है। उसको आपने इंटरनलाइज किया है, उसके ऊपर आपने इंप्रूवमेंट अपने अंदर किए हैं। अब 6 टाइम्स अगर आपने रिपीट किया है, आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किया है, एक दिन में तो नहीं किया। जी बिल्कुल ठीक है। हो सकता है आप कोचिंग में भी गए हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अगर आप रिपीटर हैं, सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम आप रिपीट कर रहे थे, उससे पहले अगर आपको मालूम है कि आप रिजेक्ट हो गए थे, आप डेफिनेटली आपने किसी ना किसी से तो पूछा होगा, चाहे अपने पिताजी हो, चाहे आपके कोई दोस्त हो, चाहे जो भी था, आपने उससे पूछा होगा यार क्या हो सकता है, क्या चीजें मैं करूं, क्या इंप्रूव करूं। ठीक है। आपको अपने मन ही मन में लगा होगा यार इंटरव्यू में मेरा अच्छा इंटरव्यू तो अच्छा हो गया था, नहीं यार मुझे ना GK मेरा वीक था, राइट मेरा कमांड टास्क बहुत खराब गया, मेरा ये खराब हो गया, मेरे साइकोलॉजिस्ट में गड़बड़ हो गई थी, मैं स्टोरी ठीक नहीं लिख पाया, मेनी थिंग्स कैन हैव कुड हैव बीन देयर। आपने हर बार हर चीज के ऊपर कोई ना कोई चीज पे इंप्रूवमेंट किया, ठीक है राइट।
ऑल ऑफ देम ओवर टाइम हैव बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. ओके, ठीक है. पर्सनैलिटी डेवलप्स ओवर पीरियड, इट डजंट हैपन, इट्स नॉट अ स्विच कि आपको मैं आप है ना मैं मेरा मेरे पास आप है ना एक पेन ड्राइव लेके आए और मैं आपको पर्सनैलिटी का डाउनलोड दे दूं अपने लैपटॉप से. ठीक है सर, मैं आपकी बात सब समझ रहा हूँ, बट यहाँ पर अब एक काउंटर सवाल आता है रिगार्डिंग आफ्पा. आफ्पा 14 दिन का प्रोग्राम करा रहा है और अगर मैं फीस की बात भी करूँ तो 17,000 है करीबन, एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं आ रहा. और उस 14 दिन में वो खाना पीना सोना उठना सब कंट्रोल कर रहा है एक कैंडिडेट का. सुबह 5 बजे उठता है, उठाया जाता है, उसे पीटी ड्रिल कराई जाती है, भगाया जाता है, उसके बाद शार्प एक टाइम है उसमें नाश्ता किया जाता है और शार्प अराउंड 8:30 उसको क्लास में रिपोर्ट करना होता है जहां पर उसका पीपीटी सेशन हो रहा है. और ऐसे ही पूरा दिन चलता है, शाम को स्पोर्ट्स चलता है एंड एट द एंड ऑफ डे जैसे आर्म फोर्सेस में होता है इंसान थक के सिर्फ अपने सिर जब तकिए पर रखता है तो सो जाता है. ये इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो आप आफ्पा में रख रहे हैं इसका पहला रीजन क्या है? 14 दिन में आप पर्सनैलिटी तो बदल ही देंगे. करेक्ट, लेकिन आपको दिखाया जाता है कि ये आप अगर कर सकते हैं, अपने अंदर अमल कर सकते हैं, अपने अंदर ला सकते हैं. ठीक है, ये चीजें अगर आप में जो वीकनेसेस हैं, वीकनेसेस नहीं कहूंगा मैं इनको, इनको कहूंगा कि भाई दीज आर प्लेसेस वेर यू नीड इंप्रूवमेंट. ओके, अगर आप ये सारे इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं अपने अंदर पूरी तरह से, देन यू हैव अ डिसेंट चांस ऑफ क्लियरिंग एन SSB. And I'm not even looking at only an SSB. It's a decent chance of being successful in life. Okay. Now, AFPA is, जैसा मैंने आपको बोला, AFPA एक जौहरी है जो हीरे को तराश के हीरे को है ना इतना चमकीला बना देता है कि दूसरा आदमी उसको ले ले या दूसरे आदमी उसको कहे कि नहीं नहीं ये हीरा मुझे चाहिए. और वो दूसरा जो है हो सकता है आर्मी है, हो सकता है आईटी है, हो सकता है सिविल सर्विसेज है, हो सकता है कॉलेज है, हो सकता है कुछ भी है. ठीक है, बिकॉज लाइफ में एक अकेला SSB इज नॉट द ओनली इंटरव्यू ही फेसेस. राइट, करेक्ट. सो आफ्पा जैसी जगह जो है और खास करके आफ्पा में यू आर प्रिपेयरिंग अ पर्सन नॉट जस्ट फॉर SSB बट ऑल्सो फॉर एन एग्जामिनेशन कॉल्ड लाइफ. SSB के लिए आपको पूरी की पूरी चीजें जो भी आफ्पा में बताई गई हैं, फ्रॉम लुकिंग एट जनरल नॉलेज टू PPDT, फ्रॉम फिजिकल फिटनेस टू द एबिलिटी टू स्पीक, ठीक है, फ्रॉम ग्रूमिंग ड्रेसिंग टू बी एबल टू टॉक टू एन अननोन पर्सन. मैं आफ्पा में जो भी आपके पास आया वो सब नए नए बंदे, आपने कब कभी उनसे नहीं मिले जी, आप उनसे दोस्ती भी करेंगे जी. ठीक है, इट इज टीचिंग यू सो मेनी अदर थिंग्स. करेक्ट, इट इज टीचिंग यू ऑल द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इन सम फॉर्म और द अदर, फ्रॉम सोशल एडजस्टमेंट. यू आर नेवर यूज टू अ डिसिप्लिन रूटीन. भाई आधे ज्यादा सिविलियंस जो है उनके उठने का ना टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, ना किसी और चीज का कुछ है. राइट, यहां पे आप डिसिप्लिन में आ जाते हैं. आपको एडजस्ट करना है, आपको अननोन लोगों के सामने उनके सामने खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं बोलना शुरू करो, कॉन्फिडेंस, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, किस डेप्थ पे जाना है, रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस. राइट, आपका बगल वाला लड़का लुढ़क रहा है, आप उसको उठा के लेके जाएंगे कि उसको छोड़ के जाएंगे, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको सारी चीजें बताई जा रही है 99% ऑफ द टाइम सबकॉन्शियसली. आपको कोई ठोक पीट के ये नहीं बोलता शुभम ये देख ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है, शुभम ये देख ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे नहीं बताया जाता. लेकिन आपको वो सारी चीजें प्रैक्टिकली कराई जा रही है. ओके, आपने जिंदगी में रस्सी नहीं देखी, आपको बोलते रस्सी चढ़ जाओ. आपने रस्सी देखी नहीं, आपने रस्सी हाथ में पकड़ी नहीं, आपको बोलते हैं जंप कर रस्सी पकड़ के दूसरी साइड चला जाओ. करेज, डिटर्मिनेशन.
आपसे 100 मीटर भागा नहीं जाता, आपसे 2 किलोमीटर भगाया जा रहा है। डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, स्टेमिना बिल्ड कर रहा है आपका। ठीक, बिल्कुल ठीक है। सबकॉन्शियसली ये सारी चीजें हो रही हैं। अब 14 दिन में नींव डाली है, बस फाउंडेशंस डाली हैं। इमारत तो शुभम आपने खड़ी करनी है इसके ऊपर। मैं आपकी बात सारी समझ गया, मैं इमारत पे ही आऊंगा दोबारा, इस शब्द पे ही। 14 दिन तक आप उसको डिसिप्लिन रखते हैं, सुबह उठने से रात तक सोने तक, सुबह क्या खाएगा उसका टाइम पीरियड से, उसके बीच में स्पोर्ट्स का इवेंट, फुटबॉल रहेगा, हॉकी रहेगा, क्या रहेगा, वो सब आप डिसाइड कर रहे हैं कि उसमें वो 15 OLQ इन बिल्ट आ जाए, उसको 15 OLQ रटनी नहीं है, उसको अपने अंदर लेकर आनी है, ये आप सब कर रहे हैं। और रिजल्ट 30 बच्चे आप लेते हैं शार्प 30, ना ज्यादा ना कम, 30 बच्चे लेते हैं और 15 बच्चे अराउंड रिकमेंड हो रहे हैं, 50% रिकमेंडेशन। तो ऐसा क्या कान में बोल के आप उन्हें भेजते हैं कि 14 दिन बाद भी वो उस चीज को करते रहते हैं? शुभम ऐसा है, आप बिल्ली मौसी से सब चीजें एक साथ जानना चाहोगे? सोचो, बिल्ली मौसी ने भी शेर को पेड़ चढ़ना नहीं सिखाया था जी, कुछ तो अलग रखेगी बिल्ली मौसी अपने जेब में जी। अगर मैं आपको ये चीजें बता दूं तो आप मेरे पास आओगे क्यों? ओके, चलिए सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप आफ्पा का सीक्रेट नहीं बता सकते, पर psychtestmastery.com का तो बता सकते हैं, वहां से बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं। वेल, psychtestmastery.com का भी सीक्रेट आपको वहीं से मिलेगा। ओके सर, चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड आई विश दैट कि हमें दोबारा मौका मिले आपसे दोबारा बात करने का। सर थैंक यू वेरी मच, आई ऑल्सो विश कि हमें और मौके मिलेंगे और हम इसी तरह काफी लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन लाएंगे और वो भी अच्छे के लिए। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।